नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम क्लास कर रहे हैं जी, टॉपिक है हमारा तन मन धन। कल रात को डिसाइड हुआ टॉपिक, अभी पता ही नहीं था टॉपिक क्या है। ऐसी जोर मार व्यस्तता थी पूरे हफ्ते, बहुत सी फिल्में देखनी पड़ी, बहुत से टीवी सीरियल्स, खाया पिया, एंजॉय। यार ये क्या बता दिया समय सा ही नहीं मिला, तो फर्रो इस फर्रे भी समझ नहीं आया क्या बनाने हैं। तो देखते हैं किस प्रकार का प्रोग्रेशन होती है, पर परमात्मा की इच्छा है। मैंने जैसे ही टॉपिक भेजा सत्यवान ने उसी क्षण कहा तन मन धन कर लेते, फिर वो मैसेज आ गया गीतुल जी का, तन मन धन कर लो। मैंने कहा यार कमाल है, प्रकृति चाहती है और उसे पता है। कैसी मजे की बात, जो चीजें हमें नहीं पता होती वो कोई बताता है। कोई इसको लेंगे अभी हम, हमारे पास शरीर की साधारण सी संरचना है। जो शरीर है 70% जल है। हमारे शरीर की संरचना होती है जिसमें 5 तत्व होते हैं, एक तत्व होता है हमारा जल। ये शरीर का 70% हिस्सा है। एक है भूमि तत्व, ये 12% हिस्सा होता है शरीर का। एक है वायु तत्व, ये शरीर का 6% हिस्सा है। ये है अग्नि, ये शरीर में 4% होता है। हमने ये 6 लिखा है लेकिन ये अनलिमिटेड होता है। ये है हमारा स्पेस, आकाश। ये 5 तत्व जब सेट हो जाते हैं तो हमारा ना जीवन चलता है। जीवन हमारा जीवन चलता है, शरीर चलता है की बात नहीं हो रही है। तो जीवन चलने की जो स्थिति है हमारी, उसके लिए हमें समझना ये है कि ये 5 तत्व हमारे तन मन और धन विशेष तौर पे इसके साथ कैसे स्टेबल और सेटल रहते हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति ये जान और समझ गया कि भैया ये सेटिंग ठीक रखनी है, तो वो तन के भी मजे लेता है, धन के भी मजे लेता है और मन के भी मजे लेता है। ऐसी ऐसी समस्या बनती है जीवन में कि यार पैसा तो बहुत है लेकिन शरीर बीमार है, यार शरीर तो ठीक है पर मन बड़ा उदास है, मन बहुत मस्त है लेकिन खाने को शायद रोटी की कमी हो, तो अलग प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। तो हमारे शरीर के अंदर ध्यान रखें, सबसे 3 चीजें हम लेने, पहले ये हो गया तन मन और धन, और थोड़ा सा हो गया ज्ञान कि यार चलाना कैसे। तो तन हमारा अगर हम पूरा एंजॉय करते हैं तो जीवन में 1/3 होगा, मन भी 1/3 और धन भी 1/3, और 1% होगा हमारा ज्ञान। तो ये बताएगा यार ये तीनों के मजे लेने कैसे हैं, क्योंकि भाई धरती पे आए हैं तो मजे के बिना फायदा क्या है यार। हम एंजॉय करें, खूब एंजॉय करें, साले एंजॉयमेंट नहीं मिलती, चिज्जी नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, शरीर सेट नहीं हुआ, मजा नहीं आया, रिश्तों की कंगाली है, हर समय उदासी है। ये उदासी आती क्यों है, क्योंकि ये बिगड़ जाता है, इसको बिगड़ने नहीं देना है। ड्राइंग रूम को स्टोर नहीं बनाना, बाथरूम में किचन नहीं बन सकती, बेडरूम के अंदर बैठ के पता लगा आप अपने ताश के पत्ते खेल रहे नहीं, वो सोने का स्थान है। तो जब हम गलत करते हैं, जैसे कई लोग खाना खा लेते हैं बेड पे बैठ, खाना खाते हुए शरीर का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, एनर्जी से एकदम भभकती है, और बेड पे जाने टाइम एनर्जी स्लो होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया से नींद आए, लेकिन उन्होंने अभी अभी एनर्जी बढ़ा डाली और बेड में भी ट्रांसफर हो गई। उस बेड पे रात को नींद ही हराम है और उन्हें समझ नहीं आता यार डिस्टर्ब क्यों रहते हो लाइफ में। तो ये हम गड़बड़ कर देते हैं, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लंबी बात, जब ये तीनों तन मन धन को हम स्टेबल करते हैं तो वो कहां बात बैठती है, पहले हम समझेंगे तीनों का तरीका। ये मन है हमारा मुन्ना, मुन्ना मन है। ये मुन्ना ना कभी नहीं मरता, ये शरीर में से तो चला जाता है, आत्मा जो स्पिरिट बॉडी होती है, एक डेविल बॉडी होती है, नष्ट करने वाली एक स्पिरिट बॉडी होती है, जीवनदायी। जब उसके साथ मन मिल जाता है तो हम आत्मा शब्द कहते हैं, तो हमारे जिंदा रहने तक कोई है अंदर चल रहा है उसे हम आत्मा कहते हैं, जब वो कट लिया तो कहते परमात्मा के पास चला गया और इसको शरीर को जला देते हैं। तो ये जो मन है ये कभी नहीं मरता, ये अगला जन्म ले लेता है, नई बॉडी मिल जाती है, फिर उसके बाद अगला जन्म ले लेता है, आज इससे प्यार कर लेता है, कल उससे प्यार कर लेता है, इसका ना कोई दीन ना ईमान है। इस मुन्ना का एक ही काम है, यार मुझे तो ये चाहिए, गलत है तो भी चाहिए, सही है तो भी चाहिए, इसको ना चाहिए ही है, या तो कुछ चीज चाहिए है या नहीं चाहिए चाहिए है। तो ये कभी नष्ट नहीं होता, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कुछ भी कर लो ये रहेगा। कहते मन मर गया, अगले दिन कुछ अच्छा हो गया हमारे मन अनुसार, तुम कहते वाह मजा आ गया, फिर जिंदा हो गए, ये कहीं नहीं जाता,
एक हमारा ये आकाश तत्व है, ये एवर एग्जिस्टिंग है, एवर एग्जिस्टिंग, ये सदैव रहेगा इटर्निटी तक। इतने बड़े स्पेस में इतने बड़े बड़े ग्रह बैठे हुए हैं, ब्रह्मांड पड़ा हुआ है, ये एवर है, पता ही नहीं कहां है, कितना बड़ा है, शिव कहा जाता है इसे, इसलिए इसकी तो कोई कमी है ही नहीं। ये हमारा भूमि तत्व है, ये हमारा बेसिकली मुन्ना है। हर जगह आप ब्रह्मांड में आप देखेंगे थोड़ा सा चिज्जी बनी हुई है, प्लैनेट्स पड़े हुए हैं, बने हुए हैं हमारे। ये हमारा वायु तत्व है, ये हमारा ज्ञान है। आपने देखा कितना लचीला होता है, हवा से भी पतला, यानी कि समझ नहीं आता अचानक से कहां से ज्ञान आता है खोपड़ी में, ऐसे करना है, अच्छा अभी हम क्लास सुन रहे हैं, प्रोसेस कर रहा है, ब्रेन कैसे कर रहा है, या तो वो फिल्म देख रहा है खोपड़ी में, यार मिशन इम्पॉसिबल आई है वो तो देखी नहीं अभी, यार एक नया OTT पे सीरियल आया वो, या फिर ये चल रहा है, नहीं, तन मन धन क्या होता है, तो ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, ये भी एक पॉइंट है। इसके आड़े मुन्ना आ जाता है, मन कहता है नहीं पहले मेरी सुनो, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है। ये हमारा शरीर है ना, ये खत्म कभी होता, ये अनंत है, अंतहीन है, इसकी मृत्यु कभी होती ही नहीं, एक ही चीज है जो नश्वर है, वो है शरीर। हमारे पास तन मन और धन में से सिर्फ एक है शरीर जो नष्ट हो जाता है, यानी कि शरीर को सबसे पहले संभालना जरूरी है। पांच तत्व अनबैलेंस कैसे क्यों होते हैं, पांच तत्व अनबैलेंस क्यों हो जाते हैं, पांच तत्व का इंबैलेंस सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है। ये है तन, ये है मन, ये है धन। तन जो है इसकी एक स्पेसिफिक शेप है, मन जो है ये हमारी खोपड़ी का यह हिस्सा और पीछे धागे की तरह चलती हुई स्पाइनल कॉर्ड, ये मन का हिस्सा है बस, और यही तंत्र से पूरे के पूरे शरीर, पूरे ब्रह्मांड, पूरी दुनिया पर काबू करना चाहता है, क्योंकि इसी पे विचार आते हैं। विचार शब्द को आप समझ लें, आप अभी बैठे हैं, आपको अचानक एक विचार आ जाएगा, कहां से आया यार, कोई सिर है कोई पैर है, क्यों ही आ गया, और ना वो क्वेश्चन आएगा, मुन्ना कहेगा क्वेश्चन आया भाई, क्यों पूछता है, अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है, हेलो हाँ भाई हम भी तो आए, हमारी भी तो सुनो, ये उत्तर दीजिए। अब ऐसा ही विचार उत्तर देने वाले के मन में अचानक आता है, अभी तक था नहीं कहीं, अचानक से आया, उसने उत्तर दे दिया, फिर मन कहता है यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, ये तो हार हो गई, अब एक नया उत्तर चाहिए, फिर एक नया प्रश्न दाग देता है। तो जिंदगी में जितने भी क्वेश्चन है ना हमारे पास, सारे के सारे इस मन के पास है, मुन्ना के पास है। इसका सादा सा काम है, मैंने रहना है हमेशा। आप याद रखें, जो चीज हमेशा रहेगी वो आपको ना बोर कर देगी। आप रोज रसगुल्ला खाते हैं, हाँ यार बड़ा मजा आता है, भाई कितने साल तक खा सकते हो, भैया 5-7 दिन बहुत है, फिर तो अत्याचार हो जाएगा। आप रोज नहीं कर सकते, हाँ आप रोज दारू पी सकते, क्योंकि दारू रोज पी ली और बेहोश हो गए, जाने सारे प्रश्न खत्म हो गए, मुन्ना को सुला दिया। आप कोई भी काम जो लगातार कर रहे बोर होंगे, यानी कि मन चाहे कुछ भी कर लो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। तो आप यदि ये सोचे कि मन संतुष्ट कर ले, असंभव, तो संतुष्ट हो कौन सकता है, संतुष्ट शरीर हो सकता है। शरीर को बढ़िया नींद मिल जाए, बढ़िया भोजन ठीक ठाक मिल जाए, बस हो गया। मन की अनलिमिटेड डिमांड्स है, एक तिहाई तीनों इंपॉर्टेंस है, लेकिन मन की अनलिमिटेड डिमांड्स है। ये कहता है मुझे सब कुछ चाहिए और जो मिला वो बोर हो गया हूं, अब मुझे और चाहिए, फिर मुझे और पंगे करने हैं, एंडलेस करने हैं। अब मन इस चीज के लिए क्या करता है, ये ध्यान दें आप इस पर, ये है धन। ये हमारा शरीर हुआ, ये हमारा मन हुआ मुन्ना, ये हमारा ज्ञान है, ये वो जीवन ऊर्जा है जिसके दम पर हम चल रहे हैं। परमात्मा का वो हिस्सा जिसे कोई लेना देना नहीं, बस जिंदगी चलानी है, कैसे चलानी है तुम्हारी मर्जी है, सब में अग्नि है। ये आकाश तत्व जो है ना, ये धन है। आकाश कितना है, अनलिमिटेड है, इसलिए धन अनलिमिटेड बन सकता है आपके जीवन के अंदर। कितना धन बनाना है, जो बन गया मुन्ना ने बनाया, अब वो कहेगा और चाहिए है, फिर वो और बनाएगा, फिर अब ये भी हो गया लेकिन अभी और चाहिए है, उसका और खत्म नहीं होता, उसे रोज चाहिए, लगातार चाहिए, उसे और चाहिए, उसको मजा आ रहा है किसी चीज में, वो कहता है मैं जिंदगी काट दूंगा इस चीज के साथ ही, अपना एक साथी जीवन साथी चुना, इसके साथ जीवन भर प्रेम करूंगा, थोड़े दिन में बोर, फिर लड़ाई, फिर उस लड़ाई को सेट करो, फिर दोबारा लड़ाई, फिर दोबारा प्यार। ये शैतान है, ये कभी भी संतुष्ट नहीं होता। ये जो मुन्ना है, ये स्पेस अनलिमिटेड शरीर के साथ बनाता है, ये है हमारे तन मन धन। जब मन इस शरीर के अंदर आ जाता है तो धीरे धीरे समय के साथ इसके पास वासनाएं है, इसके पास एक ही लाइसेंस है वासना,
इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। षड विकार की हम बात करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार और भय, ये मुन्ना उसका मालिक है। उसके पास जब भी डिश मांगोगे ये डिश परोस कर देगा, मजे आ गए, शांति आ गई, प्रेम आ गया, ये डिश नहीं है उसके पास। इसलिए आप बोलो मन से प्यार है वो झूठा है, बोलो मन में शांति है वो झूठी है, मन बड़ा आजकल बहुत खुश रहता है वो झूठा है, वो सवाल ही नहीं होता, वो मन अभिनय करता है, किसके अंदर अभी बात होगी। तो ये मन क्या करता है, ये कहता है यार स्पेस चाहिए मुझे, अनलिमिटेड स्पेस चाहिए। हमारे अंदर तन मन धन तीन चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं और हमारे अंदर भूमि गगन वायु अग्नि नीर, इसमें जो गगन तत्व है वो अनलिमिटेड है, हम चाहे तो कितने बड़े विशाल बन सकते हैं। कृष्ण ने विराट रूप बनाया, अनलिमिटेड स्पेस ऑक्यूपाई किया, दिखाया पूरे ब्रह्मांड में हूं। माँ यशोदा को मुख खोल के दिखा दिया, ब्रह्मांड ही मेरे मुख के अंदर है, अनलिमिटेड। मुन्ना आपका मन क्या करता है, कहां के मालिक बने, पूरे संसार के ब्रह्मांड के ब्रह्मा ही बन जाए, नहीं यार विष्णु बन जाए, पता नहीं क्या क्या हो जाए, पागल हो जाता है ये, इसका कोई अंत नहीं है। ये सूरज को कहता है जेब में रख के घूमू, जब मन करे फुटबॉल की तरह खेलू, मन कुछ भी करना चाहता है। इसलिए इसको ये समझ आता है, मैंने ना फ्री एनर्जी, ये अनंत एनर्जी है, फ्री एनर्जी कहते हैं इसको, ये है फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी तो नहीं है इसकी कीमत लगती, लेकिन फ्री एनर्जी का मतलब धन को किसी चीज में कन्वर्ट कर लो, धन से कुछ भी चिज्जी बना लो। ये वो छोटी चिज्जी है जिससे कुछ भी चिज्जी बनाई जा सकती है। अब जब मन ये बनाता है तो अनंत बनाए चले जाता है, बनाए चले जाता है, क्योंकि इसकी वासनाएं खत्म नहीं होती। घर चाहिए, दो कमरे, फिर चार कमरे, फिर बंगला, फिर बिल्डिंग, फिर चार बिल्डिंग, फिर पूरा मोहल्ला, भैया पूरा देश, इसका अंत नहीं है। उसके लिए इसको धन चाहिए, कि धन की शक्ति चाहिए मुझे। जब ये मिलती है तो ये पंगे करता है। किसी व्यक्ति के चरित्र को जानना है कि वो कितना अच्छा है, कितना सज्जन है, तो उसके धनवान होने का इंतजार कीजिए। वो धनवान होने के बाद ही पता लगेगा वो कितना चरित्रहीन था, या चरित्रवान है, या कितना प्रेमी है, या कितना अच्छा और बुरा है। वो क्रुएलिटी भी दबा के बैठेगा जब तक धन नहीं है। धन के द्वारा ही सारे पाप पुण्य किए जाते हैं। धन एक ऐसी शक्ति है जिसको संभालने की अकल बहुत कठिन है, बहुत जटिल, वो बिना ज्ञान के नहीं होगी। अब ये जो जितना भी धन बनता है इस मन का, वो सारा का सारा इस तन की कीमत पे बनता है। आपका मन जो भी धन बना रहा है वो सारा का सारा धन आपके शरीर की कीमत पे बनाता है। ये शरीर जल है, ये जल एक ऐसी चीज है, जली जीवन है आपका। ये जरा सा भी घटता है, जरा सा भी कम अगर होता है तत्व, तो ना आपके शरीर की बैंड बजनी शुरू हो जाती है। लेकिन मन कहता है कि मुझे ये बनाना है, इसकी कीमत ये लगती है। आपके जीवन में अगर आप व्यर्थ में बीमार है, व्यर्थ में ही तनाव में है, व्यर्थ में ही आपका शरीर खराब हो रहा है, दैट मीन्स इन तीनों का बैलेंस बिगड़ गया है। बैलेंस बिगड़ना क्या होता है, हमारे 100% जीवन के अंदर अगर आपका धन 70% हो गया तो आपका मन और तन 30% रह जाएंगे। कोई तो कीमत लगेगी, आपकी प्लेट है, आपके पास चार सब्जियां हैं, अब पेट में कितनी डालोगे यार, आप दो डाल सकते हो तो दो त्यागनी पड़ेगी, तीन डाल लोगे चलो एक तो त्यागनी पड़ेगी, कुछ नहीं त्यागोगे तो पेट फट जाएगा, शरीर कहेगा मेरी बस हो गई, मेरे को पागल करोगे क्या, बर्बाद करोगे तुम, लूज मोशन हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपका मन और तन 30% होगा। यानी कि आप छोटे छोटे तौर पे ले ले, बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं उनको ना तन के रोग होते ही है, जगह ही 30 पैसे बची है उसमें मन भी शेयर करना है। मन भरा सही होता है, रिश्तों से कंगले हैं, बने हुए बंगले हैं पर रिश्तों से कंगले, क्या बात, बस बात यही मेरी वैसे बेकार है सब बातों के अलावा कुछ नहीं है। अब मजे की बात क्या होती है, उनके पास इतना धन होते बिना मन उदास होता है, बड़े परेशान होते हैं। इतना धन होने के बाद तन में पता लगा शुगर की बीमारी है, मीठा नहीं खा सकते, ये क्या चमत्कार है, विचित्र सा है। अब किसी के पास मान लेते हैं मन 60% है, तो उसके पास तन और धन 40 रह जाएगा। कोई अपने मन की आग लगाए रखता है ना, पागल होता रहता है, तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनती है, या तो वो जुए में धन हार जाता है, या तन की बीमारी में धन बर्बाद हो जाता है, उसका अपना सगा भाई लेके भाग जाता है। उसने बहुत ज्यादा मन की कर ली, यार मैं तो ना ये कर दूंगा, ये बड़ा वाला ताजमहल, मैं 1 इंच बड़ा ताजमहल बनाऊंगा भाई साहब शाहजहां से, मेरा नाम होना चाहिए। बस मन ऐसे ऐसे सपने देखता है, बड़ा डेंजर है। जब भी आप ये करेंगे आपके जीवन से एनर्जी सक्शन करेगा ये कॉस्मोस, ब्रह्मांड, प्रकृति का नियम है। प्रकृति क्या करती है, जहां पर आप कुछ नहीं उगाते जमीन में
वह झाड़ फूक झाड़ फूस उगा देती है। यार क्या है यार, हमने कुछ किया नहीं है, क्यों कर रही है तो जबरदस्ती? प्रकृति का नियम, अगर इस खोपड़ी में हमने ज्ञान नहीं डाला तो यह कीचड़ अपने आप उग जाएगी। प्रकृति का नियम समझ लो, इससे आप युद्ध नहीं कर सकते। प्रकृति ने सीधा सा कह दिया, अभी ओशन में पिघल पिघल के आर्कटिक नीचे के जो साउथ पोल है वहां से बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा कट के गिरा है, 4 किलोमीटर गहरा और हजारों किलोमीटर लंबा। अब उसने ओशन को ऊंचा उठा दिया है, 15 डिग्री टेम्परेचर रहती है धरती की वैसे अर्थ की, अब 17 हो गई है और ग्लोबल वार्मिंग जोर मार रही है, तो पानी फेंक रहा है वापिस समुद्र गहरा। ऊपर जाओ भाई, वापिस जाओ, धरती पे गिरो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। इसलिए हमारे यहाँ इतने बाढ़ और तूफान आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड आ रहे हैं। अभी अभी कनाडा के अंदर टोर्नाडो आ गया, जो कभी आके राजी नहीं। तो ये सब ड्रामे क्या है, प्रकृति बैलेंसिंग कर रही है। ऐसी स्थिति में आपके तन और धन की ऊर्जा चूस लेगा मन, आप जुआ खेल बैठोगे पैसे पे, फालतू में गलत जगह विश्वास कर बैठोगे, लगेगा यार इतना नोट आ जाएगा इसमें तो ऐसा करेंगे हम, नोट आ गए, क्या करोगे नोट से? कोई ना कोई मन का सपना, और जैसे ही वो पैसे लुटेंगे तबाह होंगे आप, बर्बाद हो जाओगे। आपने कहा सब्जी बनानी है भाई, जरा सा नींबू डाल दो ना, मजा आ जाएगा यार। अभी जब जरा से नींबू से मजा आएगा तो यार क्यों ना 10 नींबू काट दिए जाए। आपने 10 नींबू निचोड़ दिए, वो इतना कड़वा हो जाएगा कि आपको उबकाई हो जाएगी, भूखे मरना तैयार है। इसी प्रकार आपने मन को अत्यधिक ऊर्जा दे डाली। मन हमारा अपने आप ऊर्जा खींच लेता है, मन का रोल समझ लें। ये रात को आपको सोने नहीं देगा, ये रात भर सोने नहीं देगा, रात भर आपको सोने नहीं देगा, के बाद रात की उदासी करके सुबह रुलाएगा, आंसू बहाएगा और तिल तिल करके मारेगा, धीरे धीरे चूसता रहेगा शरीर को। ये ऊर्जा खींच लेता है। अब ये जो दिन रात हमारा शरीर बर्बाद हो रहा है, ये किसी की हिम्मत है करने की? मन की अनलिमिटेड डिमांड्स है, धन स्पेस से अनलिमिटेड मिल सकता है, शरीर की लिमिटेशन। शरीर बेचारा इतना भोला है, बहुत ताकतवर ब्रेन है, लेकिन इतना भोला है, वो कहता है यार मुझे तो 3-4 इकाओं में पता है भाई, मैंने सोना है, मैंने खाना है, अपने जैसे कुछ बाल बच्चे पैदा करने, प्रोक्रिएशन, और मुझे यार क्या करना है, मुझे मुझे बताओ क्या करना है, कुछ नहीं करना, वो इसी में मस्त है। बिल्कुल भोग योनि की तरह कुत्ते बिल्ली जैसे जीते हैं, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। तो मन क्या करता है, कुत्ते बिल्ली की तरह जिंदगी बिता देता है। ये ज्ञान एक बीच रस्ते में और आ गया ज्ञान। अभी जो हम जानकारी ले रहे हैं, ये जानकारी ज्ञान बन सकती है कि अच्छा नींबू कितना डालना है, नमक कितना डालना है, मिर्च कितनी डालनी है, अरे यार ये तो कमाल की चीज बन गई, ये कमाल की चीज, मजा आ गया, जिसको भोगने में आनंद आ गया, ये कैसे बनेगी? कमाल के बच्चे बनाते हैं ज्ञानी माता पिता, कमाल की कलाकृतियां बनाते हैं लोग, कमाल की पिक्चर्स पेंटिंग्स, कमाल की चीज की बात ही और है, वो क्लास अपार्ट होती है। तो कमाल कब होगा? जब ज्ञान होगा। अब ज्ञान के लिए सीधा सा मुद्दा है, ऐसे भैया मन तन धन तीनों बराबर रखने हैं। जैसे तन के लिए क्या करना है भाई, नींद पूरी करनी है, खाना टाइम से देना है इसको। डॉक्टर क्या करता है बीमार आदमी को, बीमारी आती क्यों है? पहले तो आप पागल होते हो, दिन रात ये बनाना है, वो बनाना है, ये चिज्जी करनी है, लगता है कि पागल हो जाएंगे, धन से ही पूरी दुनिया जीत सकते हैं, और धन होगा तो भाई साहब दुनिया जेब में, कितनी बड़ी दुनिया। उदाहरण, लोग शादी करते हैं, लाला जी बेटी की शादी हो रही है, कितने नोट लगाओगे? अच्छा नोट लगाने उन्होंने भाई 1 करोड़ लगा दिया। अब वो किस लिए लगाने? बड़ी वाली गाड़ी देंगे यार अपन, फिर भाई अपन तो बहुत बड़ी पार्टी करेंगे, 75 किस्म की रोटी रखनी है हमने, भिंडी भी 40 किस्म की बनाएंगे उसके अंदर, भाई साहब आइसक्रीम के स्टॉल की ना पूछे, ब्लैक लेवल के अलावा बिस्की नहीं होगी। अब ये जो ये 1 करोड़ का ड्रामा है, ये कितने साल तक के लिए? एक रात, मैक्सिमम 2-3-4 हफ्ता, खत्म हो गई बात। उसमें उन्होंने किसको इंप्रेस करना है? रिश्तेदारी के कोई 20-50 लोग होते हैं, उनको दिखाना है, लाला जी क्या शादी की थी आपने, आपके यहां तो कमाल है। और लाला जी के कभी कोई समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है, वो लाला जी दिखाते हैं? नहीं, उससे मजाक उड़ेगा, दुनिया हमारा इंप्रेशन खराब समझेगी, दुनिया सोचेगी क्या है। तो दिखावा कैसे करें? जो लाला जी खोखले हैं, बहुत दुनिया बड़ी भरी पड़ी है, जो खोखले हैं वो सिर्फ ये करते हैं कि दिखावा तो कम से कम बढ़िया हो जाए। दिखावा करता कौन है? जो अंदर से खोखला है, जिसे पता है मैं निर्मल हूं, मस्त हूं, प्रसन्न हूं, वो दिखावा नहीं करता। एक साधारण बात, एक सुंदर लड़की जो सच में हृदय से सुंदर है, वो मेकअप नहीं भी करती तो वैसे ही अच्छी लगती, पता नहीं क्या।
छोटा बच्चे को किसी को देखा धरती पे मेकअप करते हुए? मैंने तो आज तक नहीं देखा। एक बच्चा लड़की है, लिपस्टिक लगा रखी है, बच्चा है, उसने कोई क्रीम कुछ नहीं। वो प्यारे हैं, सुंदर को भूल जाओ, वो प्यारे हैं इसीलिए सुंदर है। आप सुंदर हैं लेकिन पता नहीं प्यारे हैं कि नहीं, इसलिए आप सुंदरों को भी प्यार को तरस सकते हो, क्योंकि आप बाह्य बाहर के आवरण पर चल रहे हो। कल किसी ने मुझसे बोला कि आप राधा पर क्लास कर लो, क्लास पता ही नहीं थी कौन सी करनी है, तो मैंने कहा जी राधा पर क्लास मुझे तो आती नहीं। तो बोले कि नहीं कुछ तो बताओ, कृष्ण पे तो की थी। मैंने कहा अरे भाई कृष्ण की धारा जब बाहर की ओर चलती है तो वो धारा है, और कृष्ण की धारा जब अंदर की ओर चलती है वो राधा है। तो बोले ये क्या बात है, समझ नहीं आया, बड़ा गहरी बात है। आप बाहर की ओर बहिर्गामी बने हुए हैं तो धार बाहर की ओर है, आपकी ऊर्जा बाहर जा रही है, जब आप अंदर की ओर चले गए तो अनंत की ओर चले गए, वो राधा हो गया, राधा कृष्ण। तो धारा का विपरीत हो जाना, अंदर की ओर आ जाना, वही राधा है। तो जब इतनी सी बात हुई यार क्लास तो खत्म हो गई कैंसल प्रोग्राम पर डिटेलिंग करें तो बहुत आगे जा सकती। पॉइंट समझने का क्या है कि हम बाहर के दिखावे में इतने ज्यादा चल रहे हैं कि हमारा मुन्ना ऊर्जा चूसने में लगा हुआ है। ये शैतान, इसको कोई काम नहीं है। जिस व्यक्ति के पास तन एंड स्वस्थ है, मोटे तौर पे ये कह के चलूंगा चलो 33% ही है जो अनुपात होना चाहिए, उसके पास तो ठीक रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने तन का ही रोना रो रहा है, तन के लिए ही सब कुछ जी रहा है, तन का ही साथ लेके चल रहा है, उसके पास मान लो 40% तन है, मान लो उसके पास 50% तन है। 50% तन का मतलब क्या हुआ, ये तन हो गया। अब उसके ऊपर खूब सारे तो नौटंकी कर ली, लेदर जैकेट डाल ली, खूब महंगी महंगी घड़ियां सजा रहे हैं इसको, तोप लगा रहे हैं, एंड प्रोटीन शेक पी लिया, फलाना ढिमकाना कर लिया, सिक्स पैक होनी चाहिए, ये होने चाहिए, स्टेरॉइड के इंजेक्शन ठोक दिए, कर लिया। उसके पास हर हालत में मन और धन का हिसाब कहीं ना कहीं 50 ही रह जाएगा, तो 25-25, तो ये डिस्टर्ब होंगे ही थोड़े से। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि निराहार रहो, भूखे रहो, बुद्ध ने कहा है सम्यक आहार। इसका चालू भाषा का शब्द समझे, यदि आपको कहा जाए ना, लोग लड़कियां अक्सर कहती है मैं मोटी हो रही हूँ, मैं बहुत मोटी हो रही हूँ, मैं खोटी हो रही हूँ, तो क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, कुछ नहीं खाओ पियो ऐश करो। वो कहती हाँ मैं तो थोड़ा सा खाती हूँ, आधी रोटी खाती हूँ। बहन ऐश करती है नहीं करती, पूरा तो सुन ले, नहीं मुझे तो टेंशन रहती है, मैं बहुत मोटी हूँ, मैं बहुत मोटी हूँ। अरे तेरी मोटी का क्या आचार डलेगा, तेरी खोपड़ी तो ठीक होनी चाहिए, तू प्यारी तो होनी चाहिए, लेकिन उसको टेंशन लग गई। अब उसको बोला जाए तो पतली होनी है क्या करती, बोले डाइटिंग करती है। बोले डाइटिंग करती है, डाइटिंग क्यों, हाँ मैं तो खाती ही नहीं कुछ, तो खाती क्यों नहीं है, मैं पतली हो जाऊंगी। अब मोटी लड़की डाइटिंग करने के बाद पतली क्यों नहीं होती, आपको पता जब डाइटिंग करी तो आपने शरीर से अत्याचार किया। अब 2-3 दिन डाइटिंग चली, थोड़ा थोड़ा कम कम खाया, आधी रोटी रोज खाई, 15 दिन यही खाई, 5 किलो वजन गिर गया। अब शरीर ने क्या चला के करिए, शरीर के ब्रेन बहुत पावरफुल है, वो कहता है वो हेलो इतनी रोटी मिलेगी रोज, ठीक है कोई नहीं इसी में कर लेंगे, वो मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है, ये पता ही नहीं हमें। और 10 दिन के अंदर अंदर 5 किलो वजन लड़की का गिरा और वो बड़ी खुश हो रही है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। अब वो 11वें 12वें दिन लड़की क्या करती है, अब तो बहुत दिन हो गया, आज एक पिज्जा पाड़ लू, आधा खा लूंगी, चलो। जैसे पिज्जा अंदर आया बॉडी कहती है धमाल, आग लग गई, ये क्या आ गया, कहां से आ गया। बॉडी को रखने की आदत पड़ गई है 10-15 दिन महीने में, बॉडी ने पिज्जा से जो शक्ति बनी वो फिर रख ली और उतनी ही ताकत की एनर्जी छोड़ी बॉडी को। अभी तो वो कहते ना 6 महीने में 5 किलो घटाया था, 5 दिन में 2 किलो फिर बढ़ गया, बॉडी ने फिर रख लिया। आपका डाइटिंग दुश्मन है, आपने हिंसा की है, जितना शरीर से हिंसा कर रहे हो उतना ही जोर मार के अगले बदला लोगे। जैसे वो माता रानी के भक्त होते हैं सारे हमारे बेवड़े भाई लोग, खूब दारू पी, माता रानी माता रानी माता रानी के कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, बोतल पाड़ ली, सेट कर दिया, लिवर गरम दो, मैं घमासान आग लगा दूंगा, आधा लीटर तो यूं ही पेल देता हूं, मैं सारा फिल्टर कर दूंगा, लिवर को आदत है। अगले दिन से सूखा, ड्राउट हो गया, अभी बाढ़ थी अब सूखा। बॉडी कहती है यार, बंदा कह रहा माता रानी माता रानी माता रानी, लिवर नो नहीं मिलेगी अभी नहीं, पुण्य 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 कमाना है, पुण्य कमाना है, स्वर्ग जाना है, अप्सरा चाहिए, हमारे यहां भी अप्सरा की स्कीम है, सिर्फ घुरों पे नहीं काम चलता है। तो कहते हैं दारू नहीं मिलेगी, लिवर कहता है देख ले बॉस जल्दी बता, मैं चल रहा हूं फुल ताकत से, दे रहा कि नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा कोई। शरीर का बॉडी का ब्रेन बहुत मासूम है, तन का ब्रेन मासूम है, वो कहता है ठीक है अपना क्या है, अपन इसी में सेट हो लेंगे,
वो लिवर को निर्देश देता है। लिवर का अपना ब्रेन सेपरेट है, हार्ट की ब्रेन से सेपरेट है, इस ब्रेन से सेपरेट है, लिवर सेपरेटली काम करता है। लिवर अकेला ऑर्गन है जिसको काट के किसी के लगा दो उसका भी लिवर चालू और ये वापस ग्रो हो जाता है। कमाल की चमत्कारिक बात है हमारे साथ। लिवर कहता है ठीक है, चार दिन हो गए, पांच दिन हो गए, सूखा पड़ा हुआ है, लिवर बॉडी सेट कर देता है। लोग कहते हैं डिटॉक्स डाइट चल रही है, तमिलनाडु में हम जाते हैं 1,00,000 रुपए लेते हैं, वो 7 दिन के अंदर डिटॉक्स कर देंगे। अब लिवर पे ध्यान दो, वो तुम्हारी जिंदगी वैसे डिटॉक्स कर देगा, इतना बड़ा डिटॉक्स लगा तो रखा है। अब हाँ लिवर स्लो डाउन हो गया, उसने बाइल सेट कर दिया, बाइल जूस बनाता है, उसका बिलिरुबिन सेट कर दिया उसने, कोई लफड़ा नहीं है। अब 7 दिन हम किस में भजन, माता रानी पाप नहीं करना, इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, धन नहीं सोचना, दूसरी पराई स्त्री को बहन समझना, खत्म। ऊर्जा सेट हो गई, 9 दिन तक युद्ध किया है बंदे ने, माता रानी के मंदिर गया है, नवरात्रि रखे हैं और माता को मजबूर कर दिया है, माता तुझे फल तो पुण्य का देना ही पड़ेगा, हाउ डेयर यू, मैंने 9 दिन की पेमेंट करी है, 10वां दिन हो गया, 10वें की ऐसी तैसी अष्टमी पे ही आग लग जाती है कई लोगों को। सर वैसे पेमेंट तो है, माता मजबूर तो हो जाती है, हाँ मतलब उनके लिए तो सर वो पेमेंट पेमेंट ही कंसिडर हो जाएगी, तो पेमेंट है, उस पेमेंट का उतना तो रिवॉर्ड मिलेगा, अभी तो पहुंच रहा हूँ, किनको मिलता और किनको नहीं मिलता। किसी को माँ कहती है मैंने लल्ला, दूसरों कहती दो। अब 10वां दिन आता है, शरीर से हिंसा की है, 10वें दिन वो कहते हैं अब कौन सी माता, काहे के पिताजी, गीता का ज्ञान कहता है कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी की माता नहीं है, आत्मा न मरती नश्वर फलान निमकान, और बोतल पेल दी, लिवर के ऊपर अटैक हो जाता है। वो कहता है यार ये कहां से आया इतना, और उसकी वजह से लोगों के लिवर फेल होते हैं, बॉडीज खराब होती है और डिस्ट्रॉय होती है। आप अपने शरीर के साथ अत्याचार कर रहे हो। अगर किसी लड़की को यह समझ आ जाए कि मुझे ना अधूरा पूरा खाना है, इस पे क्लास की है हमने कॉन्शियस माइंड, कि अधूरा पूरा बड़ा कठिन है, बिल्कुल भूखे रहना बहुत आसान है, खूब पेल के खाना बहुत आसान है, अधूरा खाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो कहते हैं छोड़ ही देती इससे तो मैं व्रती कर लूं, नहीं आज के बाद तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा तेरे से, तू तो लड़ता है मेरे से, लड़ती है, मैंने शब्द नहीं बोलना, थोड़ा सा बोल के दिखाओ ना, थोड़ा सा रुक के दिखाओ, बड़ा कठिन। 33% आपके जीवन में आपने या तो आग लगानी है या नहीं, दिल तो है छोटे बच्चे की तरह, या तो सब सारा जहान चाहिए या कुछ भी नहीं। तो बीच रस्ते का जब कार्यक्रम सीख जाती है कि भैया पानी रोटी खानी है, लगातार खानी है, मेटाबॉलिज्म सेट रखना है, बॉडी एक नए सिस्टम पे आ जाती है और फैट लूज होने लगता है। दारू पीनी हो के थोड़ी थोड़ी रोज पियो, कहते हैं ना थोड़ी थोड़ी पिया करो, ऐसे टशन में बोलते हैं, वैसे तो ना ही पियो अच्छी बात, लेकिन एंजॉय कर रहे हो तो पियो, नॉट अ प्रॉब्लम, पर वो थोड़ी थोड़ी यानी सम्यक, इतनी के बॉडी के साथ अत्याचार ना हो। तो बॉडी पे अटैक नहीं आना चाहिए, लेकिन लफड़ा क्या है, सारी एनर्जी हमारा मन चूस लेता है, शरीर कह रहा बस हो गई, मैं बेहोश होने के हालात में हूं, मन कहता है 2 पैग और चलेंगे, शरीर कहता है मेरे से काम नहीं होता, 8 घंटे हो गए, मन कहता है तो फिर ये धन कहां से आएगा भैया, 2 घंटे काम और करेंगे, शरीर कहता है भूख लगी है भोजन करा दे, बंदा कहता है पेमेंट मिलने वाली है, 1 घंटा तो रुकना ही पड़ेगा, शरीर कहता उठ के जाना है मुझे, सुसु आया है, मैं प्रेशर नहीं झेल सकता, नहीं भैया ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएगा, हम नहीं कर सकते। समय के साथ जो अकेली सबसे नाजुक और मजबूत आखिर तक जरूरत की चीज है शरीर, उसके साथ हम खिलवाड़ करते हैं, और शरीर का चूंकि 72% ब्रेन है, बहुत पावरफुल, 72% शक्ति है इसके पास, ये जल्दी गिवअप नहीं करता, ये टूटता है और खराब होता है, परेशान होता है, बेचारा दुखी होता है, 70 पे आ जाता है, थोड़ी थोड़ी खांसी, थोड़ी थोड़ी छींकें शुरू हो जाती है, 65 पे आ जाता है, कोई दर्द हो गई कमर में घुटने में आ गई, 40 पे आ जाता है, घसीट घसीट के चलता है, लाठी ले लेता है, लेकिन वो कहता है भैया ये चलाना है मुझे, क्योंकि मेरा अपना ब्रेन है, मैं कम सो लूंगा, कम खा लूंगा, लेकिन चलता रहूंगा। अब ये ऊर्जा चूस कौन रहा है, ये सारी की सारी ऊर्जा हम अपने जीवन में इस धन के स्यापे में इस मन की इच्छा को पूरी करने के लिए इसको खराब करने में लगेंगे। सोचो साथ क्या जाएगा, अरे तो जब तक जाएगा नहीं तब तक तो जी लो, सब मोह माया ऐसी की तैसी में गया, मोह माया ये तो, इससे तो मोह रख लो, ये तो माया की बनी चिज्जी है, इसके साथ तो आखिर तक जीना है, कि भैया शमशान खुद जाओगे, 4 लोग उठा के शमशान क्यों ले जाते थे, क्योंकि खुद जाने की ताकत नहीं होती, पहली ताकत क्यों नहीं होती, क्योंकि इच्छा ही नहीं होती। साधु शब्द का अर्थ क्या है,
वो सिद्ध व्यक्ति जो समाधि के लिए तैयार है, वो समाधि में बैठे बैठे प्राण त्यागते थे। क्यों? क्योंकि वो मरने को तैयार थे, वो शरीर त्यागने को तैयार। कितना ज्ञान था, यहां आता है ज्ञान। इतना ज्ञान था कि स्वयं चप्पल पहनी और शमशान पहुंच गए, खुद ही लेट गए। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी समाधि बनाई, समाधिस्थ हैं बहुत से ऐसे गुरु सन्यासी साधु, क्योंकि वही शरीर त्याग दिया। यार ये कहां से इच्छा शक्ति आ गई थी? कितना जबरदस्त ज्ञान होगा, जेब में ज्ञान लेके घूमते होंगे वो। इच्छा मृत्यु कहते हैं। सोच के चलो, भीष्म पितामह हमारे पास एक कमाल के उदाहरण है, जिनको इच्छा मृत्यु थी कि यार मैं तो उस दिन त्यागूंगा। ये कैसा कमाल का गुण है, कितना जबरदस्त मन काबू में होगा उनका। जिद्दी मन था हालांकि उनका, लेकिन केंद्र तो था एक केंद्रित। कृष्ण जैसे व्यक्ति क्या कमाल के मन के रहे होंगे, मुन्ना जेब में लेके घूमते होंगे वो। और मुन्ना की मजेदार बात, मन की मजेदार बात, इस मन ने हमारे साथ जन्म से लेके मृत्यु तक जीना और अगले जन्म में भी जीना है और उससे अगले भी। तो इसके पास सारा मैप है कि भैया कब तुम बड़े होगे, कैसे बड़े होगे, तुम्हारे को कब कहां चोट लगेगी, कब किससे दोस्ती होगी, कब किससे प्रेम होगा, कब किसके प्रति आकर्षण होगा, विवाह किसी और से होगा, बच्चे तुम्हारे कैसे, ये सारा खाका मुन्ना के पास है। मुन्ना ज्योतिषी है, मुन्ना को सब पता है, लेकिन लफड़ा क्या है, वो छुपा के रखता है। वो कहता है मुझे करने मजे, मेरे पास कितना ही बड़ा खजाना हो, लेकिन मुझे तो नया नया और चाहिए। मन संतुष्ट नहीं हो सकता। ये एक शब्द बना हुआ है सबका आदर करते हुए कि धरती पे कोई भी स्त्री कभी खुश नहीं हो सकती, धरती पे कोई भी पुरुष कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। स्त्री संतुष्ट हो सकती है, पुरुष खुश हो सकता है, उल्टे हैं ये दोनों। इसलिए अक्सर ऐसा आता है ना, यार मेरी बीवी खुश नहीं होती। बिल्कुल सही है, फिर तो बिल्कुल सही चल रही है, सही चल रही है। यार मेरा आदमी संतुष्ट ही नहीं होता, साले को फिर एक प्रॉपर्टी बना लो, फिर साले को नोट। हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, सही है। अब वो लेडी लगी हुई है, संतुष्ट हो जाओ तो भगवान का दिया बतेरा। वह पागल है तो यार, क्या मुझे तो और चाहिए। उसको देख लंबी गाड़ी देख। बीवी का हाल क्या है, मैंने खुश होना है, कोई कमी है। पति समझा समझा के मर जाता है। यार तू खुश क्यों नहीं रहती? मैं खुश तो हूं यार, बता तेरा चेहरा बना हुआ है। मैं बना नहीं हूं, मैं ऐसी ही हूं, दिस इज माई ओरिजिनल फॉर्म। अब वो प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके लाइफ की छोटी छोटी किचड़ किचड़ है, किक लेनी है ब्रेन में, तो उसको ना मजा सा नहीं आ रहा लाइफ में। मुन्ना उसका, मुन्ना ही स्त्री रूप है और पुरुष रूप है छेनु। वो मुन्ना का भी विकराल रूप है, डेविल रूप। अब वो स्त्री कहती है यार कुछ किक नहीं मिल रही, कुछ मजा नहीं आ रहा, सब सही चल रहा है, तो क्या करूं, क्यों सही चल रहा है, स्त्री के लिए सही क्यों चलता है ज्यादा। वो सुबह उठती है, फटाफट उठे चाय बना दूं, हस्बैंड सो रहा है, कोई बात नहीं, उसके मजे हैं भैया, बीवी के राज में सब ऐसी होती है। फिर वो उठी, फटाफट जाती है, चाय वाय बनाती है, दूध उबाला, फलाना किया, टारगेट नंबर वन कंप्लीटेड, 50 मिनट में टारगेट पूरा हो गया, घटिया, आज की उपलब्धि टिक। फिर थोड़ी देर के अंदर वो कहती है हाँ बस माता जी को उठा दूं, खाने का कार्यक्रम शुरू कर दूं, पकौड़े बना दूं, फुआ ला दूं, वो बना दूं, ये बना दूं। फिर टारगेट नंबर सेकंड 1 घंटे में पूरा। फिर बच्चों को तैयार किया, फटाफट बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार, टिफिन पैक दो धरे, तेल लाया, चंपू लाल बनाया, निकल ठीक करी, बेल्ट लगाई, चल निकल ले, जूते भीदे बांधे, टारगेट नंबर 3 2 घंटे में और पूरा। भाई वो तो पूरे दिन में एनसाइक्लोपीडिया बना लेती है, 20 किस्म की किक मिलती है उसे, कहती है मजा आ गया आज का दिन। आदमी का क्या हाल है, सुबह उठा साली पेमेंट नहीं आई, साले पड़ोसी से कुत्ते खाने में लगी हुई है, ये यार छत हमारी बढ़ाने नहीं दे रहा, बढ़ जाती नीचे वाला, 20,000 रुपए एमसीडी वाला मांग रहा है, एक तो यार ये पड़ोसी ये सोसाइटी का बड़ा लफड़ा साले, कहते ऊपर नहीं बनाने देंगे, उसके चल रहे हैं। अब वो पूरा कब होगा, उसकी किक कब पूरी होगी, पता नहीं 6 महीने में होगी। उसने ऑफिस जाना है, साले फिर इस बॉस से मिलो, अकल है नहीं, मेरे से कम पढ़ा लिखा ज्यादा समझदार बना फिरता, अकल है नहीं, कोसने मिल, उसके अपने टारगेट है वो पूरे नहीं हो रहे। वो लेडी करिए चुन्नू को प्यार कर लो थोड़ा, उसने टारगेट पूरा किया है, चुन्नू भी खड़ा है, पापा कह रहे हाँ मेरा बच्चा ठीक है बेटा, जाओ बेटा ये लो तुम 10 रुपए लो बेटा। उसे टारगेट पूरा करना नहीं आता, वो कहता मेरी प्रमोशन चाहिए तब खुश होगी, तब जाके मेरी संतुष्टि पड़ेगी, छोटी छोटी चीज की खुशी, 7 बजे जाके वो दोस्तों के साथ खुश होता है, बॉटल खोलता है, 2 सुट्टे मारता है, उसकी डिफरेंट है। इसीलिए आदमी तड़प जाता है लेडी का बना हुआ मुंह देख के, यार तू खुश क्यों नहीं रहती, वो खुश नहीं रहती, वो नई किक की तैयारी कर रही है।
वो कह रही है आप कुछ पचड़ा क्रिएट करो, फिर वो सफल होएगा, फिर जाके देखना मुझे फिर किक मिलेगी। तो हस्बैंड की जिंदगी इसी में कट जाती है, यार फिर मुंह बना के बैठी है, क्यों मुंह खुला रखा है? उसका सबसे बड़ा अस्त्र मुंह खुलाना, बेलन तो बहुत पुराना है, मुंह खुला के बैठ गई, हो गया काम। लेकिन फिर वो बाद में उसके बाद कहती है अब जाके मजा, तो वो संतुष्ट हो जाती है। फिर रातों की नींद अक्सर आदमियों की हैरान होती है, स्त्रियों की नहीं। किक बॉयज को चाहिए होती है, तभी तो कह रहा हूँ, बाहर जाके गाली बकते हैं, छेड़ते हैं, कलेश मचाते हैं, लड़ते हैं, अपना नाम करते हैं, बड़ी घड़ी पहनेंगे, सीटी मारेंगे, उनका अलग है। लेकिन स्त्री पुरुष का क्या है, वो लंबी लंबी छोड़ता है, बकवास भोंकता है, समाज ऐसा ही है, इसलिए वो ना बात बात में ही खुश हो रहा है, मस्त हो रहा है, पागल हो रहा है, उछल रहा है, लेडी नहीं करती। उसका किक का मुद्दा है, वो संतुष्ट है। हाँ, अब जैसे कोई आदमी ये कलेश मचाए, जैसे कि बड़ी स्वाभाविक क्रियाएं जीवन की, प्रकृति है ये। अब कोई आदमी कलेश मचा रहा है, यार फिर मारी गया कि खड़ी है, अरे बहन तैयार हो रही है मेरी, वो काम कर रही है, तुझे पता नहीं है तैयार होना कितना बड़ा काम है, फिर शीशे के सामने खड़ी हो गई, फिर से चार साड़ियां निकाल ली, वो स्वाभाविक, वो इतना स्वाभाविक है जैसे छोटा बच्चा सुसु कर रहा है, पॉटी कर रहा है, इतना स्वाभाविक है स्त्री का ऐसे तैयार होना। ये कोई लड़ाई के विषय नहीं है। अगर स्त्री घर में, मान लो मैं शब्दों में कह रहा हूं, वो खुश प्रसन्न भी रहती है, ऐसा नहीं है। अगर उसका थोड़ा मुंह बना हुआ है, वो किक की तैयारी कर रही है बेचारी, तुम उसका मुंह बना हुआ ये मत सोचो, वो सारे तो कर्म करती है, सारे घर का ध्यान रखती है, सबका प्रेम करती है, और क्या करे माता, उसको भी तो किक चाहिए। अब वो भी बैठ के घर में छुट्टा लाना जरा, समाज नहीं जीने देगा उसको, पैग भी मारना तो छुप के पीना पड़ेगा बेचारी को, नहीं तो क्लोज सर्कल, आदमी का क्या होता, नंगा घूम रहा है, तो फर्क है उसके अंदर। तो इसलिए ये कोई टेंशन के विषय नहीं है, ये जो टेंशन के विषय है ये क्रिएट कौन कर रहा है, ये हमारा मन कर रहा है। आदमी का है, चिल्लाना हो रहा है, भौंकना हो रहा है, लेडी करिए शांत हो, तो शांत नहीं हो रहा, गदाधारी भीम है वो ऐसा ही, उसका मेक यही है, वो फालतू में भय कर रहा है, उसमें वो गुस्सा नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि वो गुस्सा कर रहा है, वो ऐसा ही है। जो शांत हो गया, संयमित हो गया, जो स्त्री सुखी भी हो गई, खुश भी हो गई, संतुष्ट भी हो गई, उनका ज्ञान ऑन हो चुका है। ज्ञान, ये वो ज्ञान है जो आपके जीवन में तन मन और धन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाता है। और ना आपके पास कभी धन की कमी होती, ना तन से आप बीमार होते, और ना मन से आप कुड़ते सड़ते। कितनी बड़ी चीज है, कमाल की चीज है ये। अगर आपको ये चीज समझ आ जाए तो जीवन में अमृत है। ये ज्ञान कहां है? ये ज्ञान है हमारा 6% वायु तत्व, जिसके द्वारा हम सांस ले रहे हैं। हमारा श्वास लेने की जो क्रिया है, ये जो घर, ये जो बॉडी है ना, ये घर है। अगर कोई परेशान व्यक्ति आए और वो दुखी लगे, तो ये गांठ बांध लो कि यदि शरीर की बीमारी है, धन की समस्या है, मन की है, तो उसका एक कॉमन उत्तर होगा। उससे आप पूछोगे ना कहाँ रहते हो, तो वो अपने ना जहां घर रहता है वहां का एड्रेस बताएगा। जो ज्ञानी होगा, सुखी होगा, उससे पूछो कहाँ रहते हो, वो कहेगा यहाँ इस शरीर में, ये हो गई राधा, बाकी हो गई धारा। कहाँ रहते हो? इस शरीर में। नहीं, मैं तो अपने सास की खोपड़ी में रहती हूँ, उससे बहुत दुखी हूं मैं। अरे बहन अपनी खोपड़ी में क्यों नहीं रहती? नहीं, मुझे वो बर्दाश्त नहीं होती, सारा दिन बस आके खड़ी हो जाती है रसोई मेरे सामने, मैं क्या करूं, कुछ नहीं, कुछ करने को है ही नहीं, वो खड़ी होगी, वो अपने बताएगी, हम भी तो आए मार्केट में, हम भी तो आए, हमारी भी तो पोजीशन है, एक्सेप्ट करो। ये क्या है? ये ज्ञान है जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि भैया ये तीनों चीजें तन मन धन इक्वली सेट कैसे करनी है। परेशान है माँ, परेशान है, पता नहीं मेरी बहू बेटे के झगड़े तो नहीं हो रहे, हो रहे होने तो ना, वो उनका लेन देन है। ज्ञान कहता है दफा करो, मौन करो, मौन को हम आगे लेंगे। वायु तत्व बिगड़ाता है तो फिर क्या होता है, मतलब कि क्या अंदर, जैसे तन शरीर घर खराब हुआ तो कुछ ना हुआ, तो वायु तत्व खराब होते कि क्या डिस्टर्बेंस। बहुत सुंदर, ये कह रहे हैं कि वायु तत्व खराब हुआ तब क्या डिस्टर्बेंस होती है हमारे जीवन के अंदर। वायु तत्व क्या है पहले यह समझ लो, जो वायु तत्व है ना, ये है स्वयं, ये जो स्वयं है ये है सेल्फ। सेल्फ क्या है? गॉड कॉन्शियसनेस। जब प्रश्न पूछा गया महर्षि रमन्ना से, भगवान रमन्ना कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि सारे प्रश्न व्यर्थ हैं, ये सब मन का खेल है, सारे उत्तर सारे व्यर्थ हैं, तो क्या प्रश्न पूछना चाहिए प्रभु, फिर वही आप बता दो। बोले प्रश्न पूछो, मैं कौन हूं,
तो बोले जी मैं आपसे पूछता हूँ मैं कौन हूँ, बोले ये भी नहीं करना, खुद से पूछो कि तुम कौन हो मैं कौन हूँ करके। बोले प्रभु बड़ा विचित्र है, वो कोई आंसर क्वेश्चन नहीं खेलते थे, तो उस पर बड़े कम डिस्कोर्सेज है उनके, मतलब रिकॉर्डिंग तो एक दो ही मिलेंगी जिसपे भगवान से बात हुई है। तो बोले कि मैं कौन हूँ, इसका उत्तर बोले मैं परम शुद्ध चेतना हूँ, खत्म हो गया, जाओ दफा हो जाओ अपने अपने घर को जाओ। वो इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने शिक्षा दूं ये भी परवाह नहीं की, हम तो मूड हैं जो बैठ के अभी शिक्षा शिक्षा खेल रहे हैं, वैसे तो हम पार्टी करते हैं, हम इतने मूड काफी हैप्पी है क्योंकि हमारे को तो इस ब्रेड पकौड़े की खुशबू चल रही है, कल्पना चल रही है कल्पना हमारे जीवन के अंदर। जब ये ज्ञान हो जाता है कि मैं परम शुद्ध चेतना हूं, तो मैं सेल्फ के क्लोज हो गया, यानी मेरे अंदर कोई एक शक्ति कार्य कर रही है जिस शक्ति के कारण से मेरे अंदर मन के द्वारा मैं चिज्जिया बना रहा हूं, जीवन जी रहा हूं, कर्म कर रहा हूं और मेरा शरीर चल रहा है, और ये सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मैं वहीं रहूंगा, मैं ना मरता हूं ना मैं कटता हूं, मैं मुझे ना जल सुखो सकता है ना तलवार काट सकती है, ये वो वाला मैं है, ये वो वाला मैं है, ये जो कॉन्शियसनेस परम शुद्ध चेतना है ये सेल्फ है। एक प्रश्न आया बड़ा सुंदर कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है जी, तो याद रखें जो हिस्सा हमारे शरीर का डिसिप्लिन में है वो सेल्फ है, और जो इनडिसिप्लिन में है वो मुन्ना है, मुन्ना इनडिसिप्लिन में ही रहेगा, क्लेश मचा हुआ है, चै चपाड़ चाहिए, फालतू में लड़ रहे हैं, सुखी होना ही नहीं है, कसम खा रखी है। एक लाइन है कि जीवन में आपके दुख नहीं है लेकिन आप दुखी हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवन में यूं कहा जाता है कि आप दुखी तो नहीं हो, एक्चुअली ना आप सुखी नहीं हो। ये दो चीजों में सेल्फ और मुन्ना, स्वयं और मुन्ना को समझें, स्वयं बड़ा स्थिर है, मुन्ना भयंकर चंचल। ये जो ज्ञान है इसका क्या काम है? हाँ जी सर, आप सारा दिन खुश हो, आप सेलिब्रेट नहीं खुशी मना रहे हो, आप हैप्पी हो जैसे भी हो, और बीच बीच में मुन्ना आके आपको स्ट्रेस दे देता है, तो उतना तो मुन्ना का हक है ना कि वो भी खेले, तो हम उसका उस पे एनालाइज करना जरूरी है कि हमें कि ये क्यों दुख दे रहा है, ये थोड़ा बहुत तो वो खेल सकता है ना भाई। सारा दिन हम खुश है वैसे ऐसा हो ही नहीं सकता, पर सारा दिन हम खुश है और बीच बीच में अगर मुन्ना आके दस्तक देता है तो उतना तो उसका हक बनता है। हाँ तो ठीक है, खेल लो ऐसे खेलिए, अभी आ जाएगा समझ आके, इसका उत्तर आगे है। खुशी जो है वो भी तो मुन्ना की है, ये कह रहे हैं खुशी भी जो है मुन्ना की है, मुन्ना के पास खुशी है ही नहीं, मुन्ना खुश होता कब है? जो हम मानते हैं खुश हो रहे हैं वो कब होता है, वही बात हो रही है कि जो हम मानते हैं ना खुश हो रहे हैं वो होता कब है, वो क्या होता है? मुन्ना खुश हो कैसे सकता है, वो खुश नहीं हो सकता अभी बुद्धि पर। हाँ जी सर, मन भी सूक्ष्म है तो विचार भी सूक्ष्म है, तो आपस में कम्युनिकेशन कैसे कर लेते हैं? कह रहे कि मन भी सूक्ष्म है और विचार भी सूक्ष्म है, आपस में कम्युनिकेशन कैसे कर लेते हैं? मन वो इलाका है जहां विचार आते जाते हैं, मन के ही तो बच्चे हैं, बीज रूप मन है, और जो बच्चे हैं पेड़ पर उस पेड़ के जो फल लगे हैं वही पत्ते वत्ते सब विचार है, विचार आते जाते रहेंगे, पत्ते आते जाते रहेंगे, जब तक शरीर है मन में विचार कर और मन का कम्युनिकेशन है, जब कह रहे मन जब तक जिंदा है तब तक विचार चल रहे हैं, शरीर चला गया मर गए हम, तो उसका विचारों का तालमेल बंद, मुन्ना बिना विचारों के इस रिसीवर खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी के शरीर तलाशता रहता है, अगला जन्म लेना है, आत्मा भटक रही है कहते हैं ना, भटक रही है, क्यों भटक रही है? शरीर चाहिए, हम दाल लेने गए हम भटक रहे हैं, दाल नहीं मिल रही, दही ढूंढ रहे हैं मार्केट में, जूस ढूंढ रहे हैं, भटक रहे, जब मिल गया पकड़ लपक लिया, तो मुन्ना का उद्देश्य क्या है? नए शरीर लेना, नए विचार लाने, नए मिशन पूरे करने, नया मकान खरीदना है, पागल हो जाओ पूरी जिंदगी इसी में लगे रहो, नया 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 जो है उससे संतुष्ट कैसे हो? वो संतुष्टि मन किसके अंडर करता है? मन का जो यात्रा पाथवे है वो पाथवे है सांस, यहां से उसके पास एंटीना लगा हुआ है, ये सहस्रारा चक्र है, यहां से विचार तैयार खड़े आना है, आना है, आना है, आना है, जैसे हम सांस लेते हैं गड़प से विचार अंदर जाते हैं, मूलाधार पे टक्कर मारते हैं, सबसे नीचे के चक्र पे मूलाधार पे टक्कर मारते हैं, ये अंदर गए यानी बीज रोप दिया गया, इतने क्षण के अंदर ही बीज लग गया, वृक्ष की तैयारी,
क्योंकि ये डायमेंशन बहुत डिफरेंट है। मन रोशनी से भी तेज दौड़ता है, प्रकाश से तेज धरती पर कुछ नहीं, ब्रह्मांड में कुछ नहीं। 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है रफ्तार इसकी, प्रकाश की। और मन की रफ्तार क्या है, यू कांट इमेजिन। कहते हैं पलक झपकते, गलत कहते हैं, मन हर जगह है। आप सूरज की कल्पना कर लो, चांद की, अगली गैलेक्सी पे चले जाओ, डिस्टेंस तो कोई है नहीं, समय, काल, परिस्थिति। 5 मिनट में 10,00,000 साल जी लो अपने। ऐसा होता है कि 5 मिनट की गप्पों में आप अपने बच्चे भी पैदा कर लो, पर पोते पोतियां भी देख लो, सब हो जाएगा। ये टाइम की डायमेंशन से आगे है, ये बहुत आगे है। कि मन की करली, जो जीरो डायमेंशन के जीव है वो पेड़ पौधे हैं। उनका क्या काम है, फंसे हुए, टिके हुए, वो कहीं नहीं आ जा सकते, बस पल गए, पुस गए, सालों साल रहेंगे, मर गए, पत्थर है, पहाड़ है, ये सब जीरो डायमेंशन है। 1 डायमेंशन के वो क्रिएचर है जैसे अमीबा, उनका क्या काम है, पानी में होते हैं, 1 घंटे के लिए जीते हैं, वो आगे और पीछे कहीं नहीं जाते, वो वहीं पर ही 1 के 2 हो जाते हैं धीरे धीरे। अमीबा एक ऐसा जीव है जो कभी मरता ही नहीं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। फिर 2 डायमेंशनल है, जैसे बीटल होता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो चलते हैं, वो सिर्फ सीधे चल सकते हैं, सीधे ही चलते हैं, ऊंचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं, वो एक्चुअली सीधे ही चल रहे हैं, खोपड़ी इतनी है, वो सिर्फ सीधे 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 सीधे। फिर 3 डायमेंशनल क्रिएचर्स हैं, वो हैं हम ह्यूमंस, कुत्ते, बिल्ली, सब। हम आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। 4th डायमेंशन के कौन है, 4th डायमेंशन के वो लोग हैं जो समय में भी आगे पीछे जा सकते हैं, यानी पास्ट में भी ट्रेवल कर सकते हैं। हम नहीं उस डायमेंशन के, वो समय में आगे भी जा सकते हैं, वो समय में पीछे भी जा सकते हैं, यानी कि वो आज की डेट भी देख ली, ओह कल कुछ रह गया था, पीछे चले जाएंगे। कैसे हो सकता है यार ऐसे, कैसे हो सकता है ऐसे? अगर कुत्ते को सोचने की बुद्धि दी जाए, वो कैसे सोचेगा यार, इंसान रॉकेट बना रहा है, मंगल पे जा रहा है, ये कैसे हो सकता है यार, ये कोई बात ना हुई यार। हम 10 जनवरी के बाद 11 में तो जा सकते हैं, 9 में नहीं जा सकते, 4th डायमेंशन के 9 में भी जा सकते हैं। 5वें डायमेंशन के लोग अपने मन के अंदर परिवर्तन भी ला सकते हैं, वो मुन्ना जेब में है। जैसे जैसे मूवी थी, कौन सी वो, जैसे उसे रिलीव करा, रिलीव करा, रिलीव कर सकते हैं, प्रीलीव कर सकते हैं, वो तो हम अपनी डायमेंशन में कर रहे हैं, पर वो सत्य में, जैसे कि बड़े बड़े लोगों की ट्रेवल कर लेते थे पहले, नारद जी ने कर ली, प्रकट हो गए। तो ये डायमेंशन का खेल है, हमारी डायमेंशन में इतना बतेरा। तो आप अपने जीवन में अपने मन को कितना समझ सकते हैं, वो ताकत स्वयं के पास है, क्योंकि इसके थ्रू ही चलता है। ये शब्द कहे जाते हैं, मन को नियंत्रण में करें, मन नियंत्रण में नहीं आ सकता, मन खुद को ही रोक लेता है। जैसे ही आप सांस पे ध्यान देते हैं, सांस पे ध्यान दिया, ध्यान क्या है, ध्यान ऊर्जा। एक्सीडेंट कब होता है, अबे ध्यान ही नहीं रहा, ये नहीं था। आपसे नमक गिर गया सब्जी में ज्यादा, कब यार, बेध्यानी में। बेध्यानी कब हुई, तो मुन्ना ने गाड़ी टेक ओवर कर रखी है, मुन्ना आपका ध्यान नहीं है, यानी ये ध्यान ऊर्जा। आपका ध्यान जहां है, मुन्ना में हाथ जोड़ के खड़ा है, हेलो बॉस आए, बॉस आए, गॉड कॉन्शियसनेस है, परमात्मा की चेतना। ऐसे में मुन्ना आपका जो नुकसान ऊर्जा चूस रहा है ना, उसकी बजाय वो ऊर्जा देना शुरू कर देता है। अभी ध्यान ऊर्जा मेरे साथ है, प्रिंसिपल आए हुए हैं, इस समय मैं गुड बॉय हूं। सबसे शैतान बच्चा जो स्कूल का होता है, वो प्रिंसिपल जब खड़ा होता है तो उसके आगे वो भीगी बिल्ली होता है। मुन्ना जब ज्ञान के अंदर काम करता है, वो भी काम तो वही करता है जो और चाहिए टाइप का। जैसे कोई वैज्ञानिक है, अगर उसको ज्ञान है, लेकिन उसे उस ग्रह पे क्या हो रहा है, उस ग्रह पे क्या हो रहा है वो देखना है। या जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि लाला जी अंदर से खोखले हैं, लेकिन उनको दिखावे के लिए शादी करनी है, तो मुकेश अंबानी भी अपनी उसी ग्रैंड लेवल की शादियां करता है बच्चों की, तो करता तो मुन्ना ज्ञान के अंदर भी उसी तरह का काम है। मुन्ना ज्ञान के अंदर भी वही करेगा जो वो करता है, क्योंकि करता तो वही है। मुन्ना गाड़ी चलाता है, ज्ञान के अंदर एक्सीडेंट नहीं होने देगा, अज्ञानता में एक्सीडेंट कराएगा, करना तो उसने वही है। मुन्ना ज्ञान के अंदर धन कमा करके दान करा देगा, अदरवाइज कहेगा तेरा भी लूट लो, ज्ञान होगा तो कहेगा चल कोई नहीं, तेरा तेरा रहा, और मौके मिले, काम तो उसने वही करना है। जिज्ञासा भी मुन्ना के पास है, जिज्ञासा व्यक्ति के पास आंसर ही आंसर होते हैं, उत्सुक के पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं, और सेल्फ कहता है सारे क्वेश्चन व्यर्थ हैं।
तभी तो मुन्ना को जब अकल आ जाती है तभी तो उत्तर निकालता है वो ढंग के, नहीं तो गाली बकेगा। जैसे का जो वेपन है इसी वेपन चलते हुए इसी फिजिकल डायमेंशन के अंदर रहते हुए फोर्थ डायमेंशन में जाया जा सकता है स्वयं के साथ। ये कह रहे हैं कि क्या इस डायमेंशन में से अगली डायमेंशन फोर्थ डायमेंशन में स्वयं के साथ जाया जा सकता है? मुझे नॉलेज नहीं, मैं गया नहीं हूँ। ये इसका सच्चाई का उत्तर है। और हमें क्या लेना देना चौथी डायमेंशन का? क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई, मैंने बोल दिया, क्या पता झूठ बोल रहा हूँ, ये तो मैं शब्द के साथ बोला है ना, ये तो तुक्का लगा रहे हैं, हमें क्या पता यार, हम तो गए नहीं। आप गए हो स्विट्जरलैंड? नहीं हम नहीं गए, तो पता ही नहीं वहां के बारे में। होनोलुलु गए हो? नहीं भैया वहां भी नहीं गए। झुमरी तलैया गया? हाँ, वहां रात को खटमल बहुत होते हैं, तो जो पता वही तो बताएंगे। ये तो बातें हैं, क्या पता जा सकते कि नहीं जा सकते, ये सब छोड़ो। इस डायमेंशन को पाने के लिए देवता तरसते हैं। इतनी कमाल की डायमेंशन है मनुष्य की डायमेंशन, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हिडन है। यहां से हम गिर भी सकते हैं, उठ भी सकते हैं, देवता से तो गिर ही सकते हैं, उठने का तो कोई स्कोप ना है। गलतियां तो ब्रह्मा भी करेगा उसकी डायमेंशन में, गलती तो सबने करी है, पाप पुण्य के ड्रामे तो सबने करे हैं, बेवकूफियां सबने करी है, क्योंकि वहां पर भी मुन्ना ही क्रियाशील है, लेकिन वो इतने तगड़े डायमेंशन पर इतने स्ट्रॉन्ग स्वयं के अंडर है कि मुन्ना तोते तोते उड़ा देता है। ये कह रहे धरती थोड़ी अच्छी लगेगी उनको, उनके लिए तो बहुत नीचे वाली हो जाएगी। आप जब अपने घर में एसी में बैठते हैं, बहुत बढ़िया लंबी गाड़ी में घूमते हैं, बेस्ट खाना खाते हैं, तो आपको पता है कि आपको चार दिन की जोधपुर की ट्रिप बहुत अच्छी लगेगी, जहां आप लेडीज के साथ वहां पे ना कुएं पे पानी भरने जाओगे, क्योंकि जो नया होता है ना सौंदर्य सुंदरता में नहीं होता, नवीनता में होता है। जो लड़का या लड़की, पुरुष या स्त्री आपको नवीनता देंगे वो आपको सुंदर लगेंगे। बेस्ट से बेस्ट सुंदर चीज भी बासी हो जाती है घर में पड़ी पड़ी, क्या शो पीस लगा रखा है, कौन देखे यार क्या रखा है इसमें, वो व्यर्थ हो जाता है। आप दूसरों के लिए सुंदर तब है जब आप नवीन है, नयापन। सारे फिल्मी हीरो हीरोइन रोज को नया लाते हैं। खूब झेलते हैं देवता भी इस डायमेंशन में, बड़े मजे हैं। वासनाएं तो उनमें भी है, किसमें नहीं है। राक्षसों और देवताओं की बातें होती है, दबासनों की कमी है उनमें, उनका लेवल बहुत ऊंचा है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ऊंचा। विध्वंस तो हर जगह होता है, बिना मन के तो कोई कुछ करके राजी नहीं। देवता का भी तो मन करेगा तभी तो करेगा। उनका मुन्ना बहुत बड़े बड़े काम कराता है। मुन्ना सर्वशक्तिशाली है, उससे शक्तिशाली कोई नहीं। लेकिन पॉइंट क्या है कि ये वो स्वयं है जिसके अंडर अगर मुन्ना काम कर रहा है तो ये 33-33 चलने देगा। आपको तन के, मन के और धन के ऐन सुख मिलेंगे। टाइम से जॉब लगेगी, टाइम से शादी होगी, समय रहते ही बच्चे होंगे, मकान धांसु म्यू ही रेडीमेड मिलेगा, धन मिलेगा। तभी तो कहते हैं ये ज्ञान करो, ज्ञान कौन कराएगा, इसीलिए कहते हैं गुरु रख लो। गुरु शब्द की एक बात मात्र हुई सिख धर्म में, सबसे बढ़िया बात है। जो कुछ हुआ वो मैं हटा देते हैं, क्या गया भाई और सब वाहेगुरु की मेहर है, खत्म हो गया, मैं मर गया, बहाना क्या है, पता नहीं वाहेगुरु की मेहर है कि नहीं है, लेकिन ये पक्का हो गया मैं हट गया बीच में से। मुन्ना कहता है झक मार ली मैंने यार, क्या क्या नहीं बिल्डिंग बना के दी यार, मुझे तो रिकॉग्निशन नहीं मिल रही। चलो यार वाहेगुरु की बात हो रही है, ज्ञान की हो रही है, छोड़ो मैं देता हूँ, और देता हूँ एक मर्सिडीज और देता हूँ, और दान देता हूँ यार, तू चिंता नहीं कर भाई, तू ले यार, तू अपने आप आ रहा। और ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग वो ये जान जाते हैं कि जब मैं भी बोलना है तो दिखावे के लिए बोलना है, उसको भी अस्त्र की तरह इस्तेमाल करना है, तो वो दिखावे का घमंड करते हैं, दिखावे का क्रोध करते हैं, दिखावे का लोभ करते हैं। लेकिन अंततः क्या होता है, मुन्ना ही उनको सफल किए जा रहा है, क्योंकि बिग बॉस लगा हुआ उसके साथ। डिसिप्लिन में रहना है, तमीज में रहना है, मौसम तमीज में रहे कितना अच्छा, तमीज में भोजन खाया, तमीज में सोए, तमीज से प्रेम चला कितना अच्छा। ये स्वयं के अंदर है, ये स्वयं तब ऑन होता है जब आपके पास ये प्रश्न हो मैं कौन हूं, और उत्तर ये हो मैं परम शुद्ध चेतना हूं, बाकी मैं खत्म। मेरी शादी नहीं होगी भैया, तेरी नहीं होगी, परमात्मा की इच्छा होगी तो तुझे विवाहित जीवन के लिए साथी मिलेगा। मेरा जॉब मैं उड़ा दो, जब तक मैं नहीं उड़ेगा मैं ऑन है, मुन्ना ऑन है, मुन्ना ऑन है, यानी कि आपके अंदर स्वभाव में नेचर होगी, आपको बेइज्जती महसूस होती है हमेशा, आपकी कोई भी बेइज्जती कर सकता है, आपको बुरा भी लगता है, आप कहोगे नहीं उसने मेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया, आप घमंडी, आपका अपमान होता है। और जिस व्यक्ति का अपमान ही नहीं होता उसे प्रॉब्लम नहीं होगी जीवन में। जो व्यक्ति ये समझ गया कि सबसे कीमती शरीर है
सारा खेल अहंकार का ही है, सारा खेल मुन्ना का ही है, मुन्ना का ही अहंकार है। देखते हैं इसके बाद, जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो गया, आज की क्लास भी हम कर रहे हैं, ये ज्ञान हो गया कि यार सबसे इंपॉर्टेंट तो शरीर है, इससे इंपॉर्टेंट ना धन है ना मन है। वो शरीर को प्रमुखता देने वाले व्यक्ति के पास एक पाम शक्ति ऑन रहेगी भूलने की, शरीर के पास कमाल की शक्ति, भूल जाता है। क्या सुबह खाया, मलमूत्र बनाया, स्वाहा। क्या सुबह याद था, क्लेश नहीं, रात की नींद आई, सब स्वाहा। उसके पास भूलने की शक्ति होती है, वो व्यक्ति संत बन सकता है, मुन्ना उसकी जेब में आ सकता है, जो हम कहते हैं ना कि कृष्ण जी की जेब में लेके घूम रहे हैं, उसके पास भूलने की शक्ति है। अर्जुन तेरे पास भूलने की शक्ति ऑन हुई, हाँ प्रभु मैं सारे प्रश्न भूल गया, मैं माता पिता पितामह भाई भतीजे सब भूल गया, जीवन मृत्यु पाप पुण्य सब भूल गया, अर्जुन हो गया, कृष्ण मिल गए, जेब में आ गए उसके, उसका रथ हाँक रहे, नौकरी कर रहे हैं, उसकी चाकरी घोड़े धो रहे हैं उसके। कृष्ण आपका चाकर हो गया, परमात्मा चाकर, परमात्मा ने जन्म दिया है, वो हमारा जन्मदाता है, वो हमारा कृपालु है, वो अगर हमारा चाकर है, हमारा बाप है, हमारा भाई है, सर्वस्व वही तो है। तो एक शब्द पकड़ के गिरोने का क्या सिद्ध है, आपके भूलने की शक्ति और हो जाएगी, आपकी नाभि कभी खराब नहीं होगी, आपका पेट खराब है, आपका धन खराब है, आपके ब्लड की सप्लाई खराब है, सांस की सप्लाई खराब है, आपका कुछ भी खराब है, नाभि गड़बड़ है, और आप में भूलने की शक्ति नहीं है। मन क्या रखता है, सब याद रखता है, साला मैं कैसे भूल जाऊं, उसने मेरे साथ 3515 साल पहले ये किया था, इतना तक याद रखता है मन, मुझे नहीं अच्छा लगता ये, हाय हाय कैसा गंदा सा है, कैसा अच्छा सा है, मन भूलने नहीं देता, और मन ही मन छा जाएगा तो तन सिकुड़ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है मन ही मन छा जाए और आपका तन भी बीमार हो और आप धन से भी कंगले हो, क्योंकि मन पै 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 किए जा रहा है, लगातार रोना रापा मचा रखा है। जब एक ही चीज का भजन आप कर रहे हो, हाय पांच साल से हम रो रहे हैं ये नहीं हुआ, 15 साल से रो रहे हैं वो नहीं हुआ, मन बढ़ चुका है, आपकी चिज्जियां भी नहीं बनेंगी, आप धन से भी कंगले रहोगे और शरीर में भी खुचुर बीमारी रहेगी। एक सुखद बुढ़ापा क्यों नहीं है, एन मस्त उम्र क्यों नहीं पड़ी, एन बुढ़ापे तो क्यों नहीं मजे में हम खाते पीते। अच्छा कुछ लोग खा पी लेते हैं, उनसे जलन होती है, पता नहीं यार ये पापी लोग हैं, पापी पापी नहीं है, वो भुला चुके हैं, आपने पाप किए पुण्य किए तेल लेने गया, आप भुला चुके हैं, आपने ऑक्टोपस खाया कि आपने दारू पी या आपने रामदेव का भोजन खाया, बिल्कुल वैष्णव भूल गया ना, पेट तो भूल गया, उसे क्या लेना देना, वो मलमूत्र बनाता है, आपको कोई फर्क नहीं है, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, दांत और आंत काम करेंगे। नहीं नहीं ये गंदी बात है, हम ना प्याज लेते, हम वो नहीं खाते, लहसुन नहीं लेते हम, अच्छा खाओ ना खाओ अपनी चॉइस, लेकिन जितना आप ये करोगे आपको इसके नीचे के रोग लगेंगे। आप ना कर रहे हो ना 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 ना, ना मेरी बेरी के बेर ना तोड़ो कहां से आ गया ना 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 मैं ये ना खाऊं, मैं वो ना खाऊं, ये छोड़ रखा है, ये तो कसम खा रखी है, अभी तो उपवास लिया हमने उसको खाने ना खाने का। आपका शरीर भूल रहेगा, भूल जाएगा सब कुछ, और उस जो चीज को छोड़ा है पचाना भूल जाएगा, शरीर को पता ही मत लगने दो, शरीर मासूम है, एन मासूमियत से चलने दो, देखो क्या जिंदगी है। हाय हम मोटे हो गए, अरे हो गए तो हो गए ना, तुम ही तो हो, कोई और थोड़ी हो गया, तमीज से रहो, प्रेम से रहो। हाय पैसा नहीं रहा, पैसा मेरा क्या था साला, भगवान की मर्जी करेंगे, भगवान की मर्जी कर बात। आपको ये ज्ञान होने मात्र से आपको ये जानना है कि शरीर से बढ़कर आज के बाद धरती पे इस जन्म में मेरे लिए कुछ नहीं है, पर हम शरीर को बन है धन। हाँ जी, शरीर को भी हम 33 से ज्यादा तो कर नहीं सकते ना, शरीर ऑप्टिमम हो गया ना, 33 ऑप्टिमम हो गया, 50 का शरीर भी खराब ही है ना, 50 का भी खराब, तभी तो कहा आप मोटे हो, तो मैं ही तो हूं, ठीक है आप सुंदर हो जाओगे देखना, उसमें भी सुंदर हो जाओगे, हाय तोंद निकल गई, उससे क्या फर्क निकलता है, तुम ही तो हो, हाय मेरे बाल सफेद हो गए, अरे तो तुम ही तो हो ना, हम तो हम ना ऐसे रहा, आई डोंट लाइक मी, हो गया काम, आपने शरीर को घटा डाला, मुन्ना को उसके ऊपर हावी कर दिया, आप भूलने की शक्ति खो दोगे, पाचन तंत्र अपसेट होने लगेगा, इसके नीचे आपका पाचन तंत्र है, सेक्सुअल लाइफ है, मानसिक स्थिति है और स्वस्थता है। सर भूलने से मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है, है? भूलने से स्टोरी याद आ रही है मुझे, नो वे कैन नॉट, वेरी नेगेटिव, वेरी बैड, वेरी बैड। सर उसमें उसमें कोई एक संत होते हैं,
वो उनको ना मतलब भूलने की वो होती है, हुशू हो गया होता है वो, मतलब हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो उनसे उनके मित्र मिलने आते हैं तो वो एक कई इंसिडेंट बताने लगते हैं तो वो भूल जाते हैं वो इंसिडेंट, तो वो कहते हैं चलो अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो ईश्वर ने इसको याद नहीं रहने दिया, मतलब उसको बहुत लाइटली लिया इस चीज़ को उन्होंने कि उनको अब याद नहीं रहती चीज़ें तो ईश्वर नहीं चाहता कि वो याद रहे अब, तो ये चीज़ कैसे कनेक्ट हुई और ये क्या चीज़ है सर, ये वाला थॉट प्रोसेस क्या है? सर ईश्वर नहीं चाहता याद रहे इसलिए वो दे दी बीमारी या सर इसी से रिलेटेड है कि दूसरे लोग भूलने नहीं देते, आप भूलना चाहते हो दूसरे लोग भूलने नहीं देते कोई चीज़ वो ये तो किस तरह पे होते हैं सर? ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है मुन्ना का ना, एक बहुत बड़ा लफड़ा है वो पट्टा इस शरीर से चूसता है ऊर्जा और औरों के शरीर से भी चूसता है, हमारे लिए मजे की बात है हमें नहीं मानना ही पड़ेगा कि यार ऊर्जा सक्शन होती है, ऊर्जा चूस लेता है साला, ये साला नहीं मना मेरा भाई सर कि ना मुन्ना ऊर्जा चूस लेता होगा, अब हम दिखाएं कैसे मुन्ना ने कैसे किसी की ऊर्जा चूसी, थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं, आपको बिल्कुल ग्लूमी यानी कि डिप्रेस्ड कर सकता है कोई आदमी आपसे कुछ बकवास करके उल्टी सीधी, आपको लगेगा मेरी ऊर्जा चूस गई, मेरी तो ताकत ही नहीं रही, कॉन्फिडेंस ही मर गया, मेरे से तो भूला ही नहीं जा रहा, आपके अंदर से ऊर्जा गिरी है और कहां गई है वो, दूसरा ले गया चुरा के खींच के, तो ऐसा स्थिति होती है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, ऐसे सिखाना नहीं चाहिए, ये बोल के सिखाता हूं कि आपको जैसे मान लेते हैं आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं और आप घबराए हुए हैं, तो अब आप इसलिए घबराए हुए क्योंकि आप नीचे के चक्कर में हैं और वो ऊंचे ऊपर के चक्कर पे है, बड़ी प्रैक्टिकल बात है, तो अब दूसरे व्यक्ति को नीचे कैसे लाना है, कितनी गंदी बात, तारीफ तारीफ कर, दूसरे बंदे को नीचे कैसे लाना है, कॉन्फिडेंस में लगा हुआ है तो उसको नीचे लाना है, उसके खोपड़ी के अंदर शांति है, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस नाभि पे होता है, इससे ऊपर है, आपने उसको सीधा शब्द जाके बोलना है, भाई साहब बड़े डरे डरे से लग रहे हो, वो लग नहीं रहा है लेकिन आपके इतना बोलने मात्र से उसका डर हो गया, डरे हुए वो नीचे चला गया उसी क्षण, कोई जरा सा ऐसे बोला भाई साहब कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आपको बोलना है, भाई साहब क्रोध क्यों कर रहे हो, गुस्सा क्यों कर रहे हो, वो नीचे चला गया उसी क्षण, मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूं, नीचे गया वो उसी क्षण, बोला यार कैसी घमंड की बातें कर रहा है, कर नहीं रहा है वो बेचारा, उसी क्षण नीचे चला जाएगा। अब ज्ञानी क्या करेगा, आप ज्ञानी को बोलोगे ना उसको पता है ये ट्रिक है माइंड की, वो सीधा कहेगा हाँ हाँ तो भैया गुस्सा भी तो करना पड़ता, हाँ हाँ घमंड तो है, लोभ लाला चाहे लभी उसको नहीं हरा सकते, उसको आप हरा नहीं पाओगे, अन्यथा आप अगर सड़े हुए हो, एक पति पत्नी का झगड़ा है, वो अपने पति से मिली है लड़की या पत्नी पत्नी के पास पति आया, वो देखे कौन किस चक्कर पे है, वो मुंह बना के आया हुआ, तो तुम्हारी हार होनी होनी है, उल्टा होना चाहिए, शत्रु से जीतना है मुंह उसका बना होना चाहिए, तुम मुंह बना के बैठे हो, उदास हो, तुम नीचे के चक्कर पे हो, उदासी हृदय चक्र को खा जाती है, फेफड़े खराब करती है, आपके उदास होने मात्र से आप नीचे के चक्कर पे हो, इसलिए लेडी हमेशा कहेगी मेरे हस्बैंड समझते ही नहीं है मुझे, अरे बहन तो समझने के चक्कर पे तो आ, तू नीचे पड़ी हुई है, तेरी बात तो छोटा बच्चा नहीं समझेगा, फिर वो कहती है कोई सम्मान नहीं मिला ससुराल में, हाँ मैं नहीं नाचूंगी जब तक मेरे घुंघरू में पाजेब है या हाथ बंधे, कुछ ऐसा डायलॉग था गब्बर ने बोला बकवास थी, जब तक तेरे पांव चलेंगे इसकी सांस चलेगी था, इसलिए आपको खुद जानना है कि आपको समाज में कोई सुनता क्यों नहीं, मेरे बेटा मेरी सुनता ही नहीं, अरे तो दीदी आप इतनी नीचे खड़े होकर बोल रही हो, आवाज ही नहीं जा रही, ऊपर हुआ हो क्यों, वो चिंता कर रही है, चिंता चिंता, मुन्ना के पास चिंता का खजाना है, मुन्ना का चिंता का खजाना मूलाधार से भी नीचे है, नेपच्यून पे चला गया, यूरेनस इंद्र देवता होता है, इंद्र के पास सपने है, स्वर्ग है, उससे नीचे नेपच्यून है, वरुण अथा महासागर, चिंता करो भैया कहां जाओगे, उसके बाद प्लूटो यमराज साक्षात, फिर घबराना शुरू कर गया, आप नीचे हो, अब आप इतना घबरा रहे हो, मेरे बच्चे के लिए मैं घबरा रही हूं, आप नीचे हो, जिंदगी में नहीं सुनेगा आपकी, हाँ मुझे उसकी चिंता हो रही है, वो हमेशा दुत्कारेगा कोसेगा, यार मम्मी जाए कहीं तो मैं बैठ के अपना प्ले स्टेशन खेलूं, नहीं मेरा मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूं, अरे क्यों कर रही है बहन, वो भी तो अपना नसीब लिखा के लाया, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है धेले का, अपना शरीर गला गला के अपने बच्चों को ऊर्जा दे रहे हो, आपका शरीर सबसे कीमती है, आपका शरीर नष्ट हो गया, जिस बच्चे में मोह करती है वही बच्चा जलाता है, उसको अग्नि देता है, ये कह रहे हैं कि जिस बच्चे से मोह करती है माँ वही बच्चा उसे अग्नि देता है, मर्जी है वो तो बच्चों की, आजकल अग्नि भी दे दे बहुत बड़ी बात है, वही चीज वो उसको जिंदा जिंदा फूंकता रहता है क्योंकि वो उसकी चिंता कर रही है, Whatever we resist, it grows.
जिस चीज के हम खिलाफ हैं वो बढ़ती है। जब हम इस चीज के खिलाफ हैं, मेरे बच्चे दारू को पीता, दारू को पीता है, अब वो दारू और पिएगा। आप कह रहे हो मेरे बच्चे इतने पैसे लुटाता है, इतने पैसे लुटाता है, वो और लुटाएगा। उसके साथ धन लुटाए तो पति के पर्स में से डेबिट कार्ड निकाल लें, ताकि हम क्यों अकेले मजा करें। अगले को तो लूटो भाई, कहीं से मजा किया तो किसी को तो दुख होना चाहिए, तो वो तो होएगा। अभी तो फिर ये मैं बताता हूँ, अभी बताते हैं कि हम स्पेस से फिर इतना धन, कितना धन ले लें कि डेबिट कार्ड भी हमेशा सेट रहे, नोट भी उड़ाते रहो, नहीं तो डेबिट कार्ड तो खत्म हो गई लिमिट एक बार खत्म। तो पति को लूटो, मैं बेटा खूब एंजॉय करो। गुरुजी, ये जो अभी घूमने की बात हो रही थी, अब कई लोगों की जैसे किसी वजह से यादाश्त चली जाती है, तो वो फिर उस यादाश्त जाने के बाद जब उसको कुछ याद ही नहीं है पिछला, तो उसमें उसका प्रारब्ध भी चेंज हो जाता है। नहीं, याददाश्त चली जाती है कुछ लोगों को जो भूल जाते हैं, फिर उनका प्रारब्ध हवन होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। ये प्रारब्ध की वजह से उल्टा इससे भी खराब केस होता है, जो कोमा में चले जाते हैं। बॉडी और माइंड का सिंक्रोनाइजेशन टूट जाता है। बड़ा ही भयानक कोई खराब कमांड दी होती है हमने कि शरीर हमारा रिडंडेंट हो जाता है, बॉडी का ब्रेन पड़ गया। अच्छा, बॉडी का ब्रेन कोमा में पड़ा है फिर भी वैसे ही चल रहा है जैसे चलता है, उसे ग्लूकोज चढ़ाओगे मलमूत्र बनेगा, सॉलिड फूड नहीं खिला रहे मलमूत्र फिर बन रहा है, बॉडी का ब्रेन सो रहा है रेस्ट पे, उसके बाल भी उग रहे हैं, वो बूढ़ा भी हो रहा है, उम्र भी चल रही है, बॉडी का ब्रेन अपने सिस्टम से चल रहा है फिक्स, लेकिन बॉडी को इंपॉर्टेंस नहीं दी। जिन लोगों ने नहीं दी उन्होंने जा करके छत से छलांग मार के अपनी हत्या कर ली, प्यार के नाम पे शरीर पागल करके मार दिया। इतने किस्से आते हैं, लड़के ने एक जवान लड़की को जान से मार दिया, क्यों? शादी के लिए मना किया। किसने मारा? मुन्ना। मुन्ना के पास हत्या है ना, लूटो है। मुन्ना के पास खुशी थोड़ी है, जब वो स्वयं के अंदर होता है तो खुश या संतुष्ट होता है। स्वयं कौन है? गुरु, हमारे अंदर का गुरु। बाहर का गुरु कोई कमाल ना कर रहा, वो आपके अंदर के गुरु से परिचित कर रहा है। आप उसके सानिध्य में जाके उसकी ऑरा में तो शांत हो जाएंगे, उससे हटते फिर अशांत, लेकिन आपका गुरु यदि ऑन हो गया तो आप उसकी ऑरा लेकर साथ चले हुए और आप मस्त हो। उस ज्ञान के कारण से आपके हृदय में शांति। शांति का मतलब क्या है? मुन्ना बड़ी तमीज से चल रहा है। मुन्ना तमीज से चलेगा कब? जब परमात्मा बीच में आ गया। परमात्मा सर्वशक्तिशाली है ना, हम भगवान से प्यार करते हैं, क्यों? क्योंकि वो कभी मिला नहीं। अगर मिल जाता तो मुन्ना तो जिस चीज से मिल ले उससे 15 दिन में बोर हो जाता है। मुन्ना से कभी मिलने नहीं दिया। मुन्ना कहता है यार दिखाओ मुझे शक्ल, दिखाओ भगवान जी की। कोई पहले पूछते हैं, हमेशा भी कहते हैं क्या आप मानते हैं भगवान है? मैं कहता हूं अरे पता नहीं भाई साहब, आप बताओ। फिर वो कहते हैं हम तो नहीं मानते। मैं कहता हूं मैं कौन सा मानता हूं, मंदिर जाना ही नहीं चाहिए, कोई दूसरा किसी और तरीके से मानता। मैं कहता हूं हाँ यही तरीका सही है, क्योंकि ये प्रश्न ही गलत है। इसके बारे में बहस करना मतलब अपने सिर के बाल उड़ाना व्यर्थ है। मुन्ना बोल रहा परमात्मा के सामने किसकी चली है? हम परमात्मा से डरते हैं इसीलिए प्यार करते हैं। डरता कौन है हमारे अंदर? मुन्ना डरता ना। डर का साम्राज्य किसके पास है? मन के पास है। कौन डरता हमारे अंदर? भैया मुझे बड़ा डर लग रहा है। ये किसको लग रहा है? इस उंगली को लग रहा है? घुटने को लग रहा है? मन को लग रहा है। तो साम्राज्य डर का किसके पास है? इसलिए परमात्मा से डर लग रहा है। परमात्मा से भी डरता मुन्ना। अब उस परमात्मा को जब अपने अंदर इन्वोक कर लेते हैं ज्ञान को, तब मुन्ना कहता है थोड़ी थोड़ी पिया करो, थोड़ा थोड़ा बनाया करो, थोड़े थोड़े मजे लो, चैन से सो जाओ। एक एज के बाद हमारे को सबको अकल आ जाती है, भैया शरीर ही ठीक है, सुबह सुबह जाएंगे हम सैर करो। पहले क्यों नहीं करी? पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की बात हुई थी पिछले हफ्ते, वो ऑन होता है सैर करने से, वॉकिंग से। इसलिए कहते ना सीढ़ियां चढ़ो उतरो, पीएनएस ऑन रखो अपना, आपकी वॉकिंग कराता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ये कह रहा है कि अब शरीर की कदर कर लो। लफड़ा क्या होता है? 72% शरीर का 40 बचा होता है या 50 बचा होता है, फिर कदर कदर आती है। अभी कर लो, बुढ़ापे तक ऐश करना, अय्याशी नहीं करनी। ऐश शरीर से होती है, अय्याशी मन से होती है। यानी आप 30 को क्रॉस कर गए, 40 50 60 पे चले गए, अय्याशी आपको तबाह कर देगी, आपका धन भी उड़ाएगी और तन भी। आगे के कुछ प्रश्नों में डिटेलिंग करते हैं हम ब्रेक के बाद। हाँ जी, आत्मा और विकार भी टिका हुआ है, दोनों में से एक चीज भी रह जाएगी तो
चल नहीं सकती। ये कह रहे हैं कि दो ही चीजों पे संसार टिका है क्या, आत्मा और अहंकार? अगर दोनों में से एक हटाते हैं तो संसार डगमगा जाएगा। ऐसा संसार तो नहीं, माया टिकी हुई है अहंकार पे, और आत्मा का रोल इतना ही है कि उसको आप कहाँ ले जा करके केंद्रित कर रहे हैं, आप स्वयं के साथ केंद्रित कर रहे हैं या मुन्ना के साथ कर रहे हैं, दूसरे का कुछ नोचने में कर रहे हैं, ज्ञान करने में कर रहे हैं, शांति में कर रहे हैं, प्रेम में, आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। आत्मा वो अणु है, वो शुरुआत है, वो मेन तत्व है जिसके दम पर हम ऑपरेट कर रहे हैं। हम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं ये हमारी मर्जी है। दोनों के या तो अहंकार में रहूंगा या आत्मा रहूंगा, फिर वो घूम के फिर वही अहंकार में चला जाता है, फिर आत्मा में कहीं में लाने की कोशिश करते हैं, फिर वो अहंकार में चला जाता है। अहंकार में चला नहीं जाता, अहंकार हमेशा है, उसका सही इस्तेमाल करना है। अहंकार तो खत्म, तो मुन्ना मर गया तो हम मर गए, यानी कि आपका अहंकार मुन्ना का तो गहना है ना, उस अहंकार को सही तरीके से इस्तेमाल करना है ना। जैसे कृष्ण का एक अहंकार है वो मर्यादा है कि मैं अपने हिसाब से चलूंगा, अमर्यादा है वो भी कृष्ण का एक अहंकार का रूप, लेकिन उसके अंतर्गत उनका एक मुद्दा, एक मिशन है कि मैंने धर्म स्थापना करनी है। अब ये डिबेटेबल है, धर्म क्या हुआ है? किसी और ने नहीं कहा कि मैं भगवान, सिर्फ कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं परमात्मा हूँ, मैं ही मेरे को जो या मेरे, उन्होंने किस मैं के बारे में कहा है, ये बेसिक विवेचन है कि मैं कौन सा वाला कहा है। जिस 10 लोगों ने सुना मैं, कोई कहेगा ओह मैं, मेरी बात हो रही है, अपनी बॉडी की बात हो रही है, मेरे अंदर के अहंकार की बात हो रही है, मेरे नाम की बात। कृष्ण जी ने जिस मैं की बात की है वो ब्रह्म की है, वो मैं ही अलग है। उसको समझने को कोई माने तो पहुंचे, हम ब्रह्मास्मि क्लास हुई है इसके ऊपर। हाँ जी, हम एक जीवन में कुछ लोगों को बहुत प्यार करते हैं, जब मृत्यु के बाद मन, आप कहते हैं रह जाता है, मन नहीं मरता, तो उसको इन लोगों की मेमोरीज या अटैचमेंट्स नहीं रहती? आपके प्रश्न पे मुझे आधे में ही एक कहानी घूम गई। रिसेंटली एक केस आया मेरे पास, एक माँ है, पिता पति नहीं है उनके काफी सालों से, तो एक 3 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा है। बड़े बेटे का घर गृहस्थी बढ़िया नहीं रही और माँ मेजरली बड़े बेटे के साथ ही जीवन काटा, सास बहू के झगड़े हुए, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ। तो दूसरे जो बच्चे थे वो ज्यादा सफल थे, बड़ा बेटा सारी जिंदगी इसी में लगा रहा। सत्य घटना है कि माँ मेरी पलती पुस्ती रहे, माँ का भक्त रहा, मतलब जहाँ तक ये बातें बनी कि बहू कहती थी कि इस माँ ने मेरा घर नहीं बसने दिया, बेटा इसका टट्टू है। तो माँ भी अकेली, स्त्री अकेली, पति गुजर गया छोटी उम्र में, 3 बेटे, बड़ा कठिन। तो उसने मोह हो गया पहले बड़े बेटे से, फिर वो बड़ा बेटा बेरोजगार बन गया बेला। अब माँ को उसी का दर्द हुए सारे टाइम कि भाई ये क्या करें, मेरा बच्चा तो सफल नहीं है, दोनों बेटों का छोटों का तेल निकाले, वो बेचारे भक्ति में लग रहा है। अच्छा माँ कह रही है, माँ कह रही है। बड़े भाई ने जिंदगी में कभी काम ही नहीं किया, समय चक्र भी बीता, उसके बच्चे बच्चे हुए, पले पुसे, दाल रोटी, दोनों छोटे भाई चलाते रहे और माँ के प्रेशर में तुम करो 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 इसकी करो इसकी। वो बेटा भी माँ के मोह में उसके साथ ही जीवन काटा के माँ की भक्ति है जी, माँ ने जो कह दिया वो करना है। बाल बच्चे हुए अपने, पत्नी काटा जीवन, और वो पल पुस करके ये स्थिति में पहुंच गई कि बुढ़ापा आ गया। और माँ चूंकि इतनी पक्के विचार की थी कि वो 80 साल की हो के भी, अभी सत्य घटना है अभी भी गुजरी नहीं है, अभी भी जीवित है और वो बिल्कुल बेड पे पड़ी हुई है एक लाश की तरह। अब समय चक्र ऐसा रहा कि करीब 10 महीने पहले बड़ा बेटा गुजर गया, वो भी बीमार था, वो गुजर ही गया सेवा के लिए, चक्कर परेशान, और उसका मन माया, मन माया मोह सब माँ में ही फंसा हुआ। तो माँ में फंसा हुआ उसका सारे टाइम के मेरे को माँ का ध्यान देना है, सेवा करना है, मेरी बीवी करती नहीं, वो बेचारी करे भी तो उसे डांटता रहे। इसके बाद जो बड़े से छोटा मझला भाई है उसके घर पे माँ को शिफ्ट कर दिया कि चलो भाई ऐसा करो, 2 घर छोड़ गया कि माँ शिफ्ट कर देते हैं, यार क्या करें, हमारा कौन करेगा, मेरी बूढ़ी है, लेडीज रख दी सुबह शाम की, खाने को मुंह के अंदर माँ के कुछ डाल दो, उम्र नहीं रही, उसका मुंह फंसा हुआ, मेरा बेटा मेरा बेटा। उसको ये भी नहीं पता है कि बेटा गुजर गया है, इतनी बौरासी गई है वो। अब वो सारे टाइम कुछ कभी होश में आती तो हल्ला गुल्ला कुछ कुछ बोलना, कहाँ है। अब मजे की बात है, जो छोटी वाली बहू है उसको माँ का देख रेख थी, नीचे की मंजिल पर रख दिया कि भाई देख रेख रखो, लेडीज हैं, काम कर रही हैं, ध्यान दे रही हैं। उसको एक बीमारी लग गई कि वो रात को उठती थी और उठने के बाद परेशान होती थी, और उठ के उस तरह से पता चला, शॉर्ट में बताता हूँ, लंबा हो जाएगा बहुत। तो उसने एक दिन देखा कि मेरे पलंग के ऊपर ना तेल गिरा हुआ, तो उसने कहा तेल गिरा हुआ समझ नहीं आया, साफ सूफ कर दिया, बोले शायद पता नहीं क्या, देखा मेरे बालों में तेल लगा हुआ है, बोले मेरे बालों में तेल किसने लगा, कैसे लग गया समझ नहीं आया क्या। फिर 2 रात के बाद उसने देखा कि रसोई में गैस खुली पड़ी है, चाय बन रही है, बनाने चाय बनाई थी,
पर गैस खुली चल रही है। ये देखा यार बड़ी परेशानी है साले, तो समस्या होगी क्या? तो उनकी बिटिया ने मुझसे बात किया, ऐसा हो रहा है। मैंने कहा कैमरा लगाओ। कैमरा लगाया तो पता चला रात को माँ उठती है और घर में ही वो रात को स्लीप वॉकिंग करती है। रात को उठती है, चलती है, फिरती है और जाके कभी चाय बना रही है, सर में तेल लगा लिया, कुछ कर लिया, काम करती है, फिर जाके फिर सो जाती है। मैंने कहा सीढ़ियों में चढ़ो उतरो, बड़ा लफड़ा है। फिर वो सब्जेक्टिवली पता किया क्या हो रहा है, बोले एक काम वाली छोड़ के भाग गई, नीचे से दूसरी छोड़ गई। फिर उसने कहा कि, मैंने कहा क्या बात है, कहा तो बोले कि भाई वो रात को लगता है कोई हमारे पैर हिलाता है, कोई हमारे सिर के आसपास खड़ा होके जाता आता है। बोले काम वाले ने भी बोला कि नीचे माता जी वहां पर कोई सफेद सा साया सा दिखता है, कभी कभी दिखता है, कभी है कि नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उस लेडी का भी दिमाग बैंड बजे, वो बेचारी परेशान, में क्या करूं। हॉस्पिटल गई, इलाज चालू हुआ, घूम फिर के सारी कहानी पहुंची तो बात की है, बताया कि उनको, मैंने कभी कहानी बताओ सारी स्टोरी समझी, तो पता चला कि जो बेटा है वो माँ से बहुत जुड़ा हुआ था, उसके मरने के बाद ना उसके बेटे ने कुछ किया ना किसी और ने, मुक्ति नहीं हुई है। अब वो आत्मा जो उसकी घूम रही है, उसका माँ में ही दिल है, और माँ कहती थी मैं तो उसी घर में मरूंगी, और वो दूसरे घर आई है, वो शरीर नहीं छोड़ रही। कहानी समझो आप, ये मुन्ना का ताना बना, मुन्ना की कस्में हैं। अब वो रातों को आता है नहीं आता, चलो ठीक है बिलीव करेंगे भूत आ गया, प्रेत आ गया, मुझे तो डर लगेगा रात को। हाँ, तो अब पता नहीं वो रात को आता है नहीं आता है, पर उसकी मुक्ति नहीं हुई है। कट शॉर्ट बताऊंगा, बहुत लंबा नहीं, इससे ज्यादा मेरे पास फर्रे भी नहीं है, अचानक से बात आ गई तो बोलना है। हुआ क्या है, मन फंस गया है, मन नेक्स्ट डायमेंशन में नहीं जा रहा, शरीर छोड़ दिया, लेकिन उसको है कि मेरी माँ की मुक्ति। माँ कहती थी मैं बेटे के घर में मरूंगी, दूसरे बेटे के घर उससे प्राण निकलते जा रहे, अजीब सी दास्तान है। अब रातों को साया दिखता है, अब वो क्या हो रहा है, तीन काम वालियां छोड़ के चली गई। अब उन्होंने कहा है फैसला क्या करो, तो बोले भाई छोटा भाई तू ले जा। अब समस्या हुई कि कहां मरेगी, मरने को कहां समझ नहीं आ रहा, तो पूछा उससे, मैंने कहा छोटे के पास भेज दो, पता नहीं माँ कहां शरीर त्यागना चाहती, तुम्हारे यहां तो नहीं चाहती, और वो बड़ा वाला आकर के तंग करता है रातों को, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए मुक्ति के बताया क्या क्या करना है, मुक्ति हो जाएगी उसकी, वो ठीक हो जाएगा और वो भी चला जाएगा। वो माँ को लेने आ रहा है क्योंकि माँ के बिना नहीं रह पा रहा, नेक्स्ट डायमेंशन में नहीं जा रहा, 10 महीने हो गए अभी तक वो भटक ही रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्या अभी हो सकता है बातें हो, कौन जाने। ऐसे मानना के लिए मान लो, चलो ऐसा भी होता होगा, अभी इसकी डेप्थ में मैं समझाने बैठूंगा तो नई कहानी हो जाएगी, आज की क्लास के अलग चले जाएंगे, अभी हमारे पास 4-5 पॉइंट्स हैं। ये मुन्ना जहाँ फंस जाता है, आत्मा जहाँ फंस जाती है, इंसान वहीं रहता है, वहीं रोता पिटता है, और वहीं उसकी कहानी। तो ये मुन्ना की लास्ट कमांड है कि मैं उसी घर में मरूंगी, तो वो माँ शरीर नहीं त्याग रही। ऐसे हमारे साथ जीवन में कई बार होता है, हमने जाने अनजाने कोई ऐसी कमांड्स दे दी है और वो हमारे साथ उस समय पार्क हुई वेट कर रही है। अगर डिस्प्लेसमेंट हो गई तो शरीर से मुन्ना नहीं छोड़ता, शरीर डेड हो चुका है। तो सर बिना शरीर के कौन अकल देगा? जैसे अब अगर हम ये मान लेते हैं कि जो बड़ाई वाला है वो भूत बन के भटक रहा है या कुछ चाह रहा है करना, अब शरीर तो है नहीं उसके पास, तो या तो जो एग्जिस्टिंग डीएनए अकल करे, कोई ना कोई अकल देगा ना, नहीं तो बिना बॉडी वाले को अकल कैसे दी जाएगी? वो या तो भटकेंगे, कई जन्मों तक भटकते हैं ऐसा होता है, नहीं तो कोई ना कोई आके बताता है क्या करना है। अब जैसे तुक्के से श्री 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 हम महाराज ने कुछ बताया है और हो गया तो वाह हो गई, नहीं हुआ तो सुथ हो जाएगी। मकसद क्या है कहने का, इसकी ट्रीटमेंट जिसको पता वो ठीक करेगा, नहीं पता नहीं होगी। तो बिना बॉडी की कौन रिसीव कैसे करेंगे? वो तो रिसीविंग होती है, तर्पण किया जाता है, मार्जन किया जाता है, ये सब क्रिया है तो अलग है ना। हाँ, मेरे को भी तो आनी चाहिए, बताऊंगा से जो बता दिया काफी है, इसी में रहो, काफी में रहो, चाय में बताओ। हाँ जी, ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द फर्स्ट बर्थ of a soul come into existence and why? पहला जन्म किसी भी सोल का, आत्मा का कैसे हुआ और क्यों, ये प्रश्न बेकार है, ना इसका उत्तर है ना हम दे सकते। आपको इंटरस्टेलर मूवी देखनी पड़ेगी, उसमें समझ आएगा कि लास्ट में कैसे हीरोइन ने एक सिविलाइजेशन बसा ली एक प्लेनेट पे, और उस प्लेनेट के बच्चे जब बड़े हुए तो उन्होंने पूछा कि पहला कहाँ से आया था, ये बेकार है, मुझे इसका आंसर नहीं पता। हाँ, आगे, मनुष्य बनने में ऐसा क्या नशा है भगवान लोगों के लिए, जो मतलब हमने बात की थी ना कि मनुष्य बनने में देवता चाहते हैं ये जो नहीं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि मनुष्य बनने में ऐसा क्या नशा है, मेरा मतलब गिरने और उठने का नशा। आंसर ये मनुष्य बनने का नशा है गिरने और उठने का नशा। अच्छा, ग्लास जब भर जाता है तो खाली करने के बाद ही भर के आता मजा, बहुत दिन तक रसगुल्ले छोड़ दो फिर खाने का मजा आएगा, रोज खाओगे मजा नहीं आएगा। ये ठीक है, कुछ बनेगा। अब आपके आंख में तकलीफ हो गई है, आपको जिंदगी में आंख का ध्यान नहीं आया, तकलीफ होती ध्यान आ गया, ध्यान क्या है, स्वयं ध्यान है, स्वयं अटेंशन आपको अचानक आ गया। मुन्ना क्या कर रहा है, हाथ जोड़ के खड़ा है, भैया आंख में प्रॉब्लम है। आपके दांत में दर्द है, आपको जिंदगी में दांत का ध्यान नहीं आया, दर्द होते ही
ज्ञान आ गया तो मुन्ना महाराज ना फटाफट ज्ञान के पास चले आते हैं, बाबा बचाओ, क्योंकि डर है ना इसके पास, अहंकार भी है, सारा अहंकार टूट गया, दर्द है, दर्द रो रहा है, शरीर के बिना ऑपरेट नहीं कर सकता, खानी है बड़ी स्वाद की चीज, पेट की बैंड बजी है, मुन्ना रो रहा है। जो लोग तो समझ गए वो तो बच जाते हैं, हील कर देते हैं बलि दे के धन की, और बाकी जो नहीं समझते वो रोते हैं। तो मुन्ना को ज्ञान आ गया फटाफट, चार दिन तक उसको दर्द का पता रहा, उसने खूब ध्यान दिया, कहते बेटे ध्यान दो, खूब ध्यान रखो, ध्यान से सोना, ध्यान रखा, ध्यान से ठीक हो गया, चार दिन बाद दर्द गायब। मुन्ना कहता ऐसे की तैसे फिर शुरू, फिर याद ही नहीं रहता। साक्षी भाव का अर्थ क्या है कि आपके दांत में दर्द नहीं है, लेकिन आपको दांत की तरफ भी ऊर्जा ध्यान है कि ये मेरे दांत है। आपके शरीर में बीमारी नहीं है, लेकिन आपको पता है भैया शरीर एक जरूरी और आवश्यक चीज है, इसकी तरफ से ध्यान नहीं हटाना। शरीर को जरा सा टिक होता है उसी टाइम आप डॉक्टर के पास भाग जाओ, अगर नहीं तो उसके ध्यान के बारे में सोचो, अगर नहीं तो कम से कम उसके आराम के बारे में सोचो। सिंपल है, शरीर चेक करना, नींद आ रही है कि नहीं आ रही, भूख लग रही कि नहीं लग रही, खाना पच रहा नहीं पच रहा, बस खत्म खत्म, और कुछ एक धेले का देखने की जरूरत नहीं है, और शरीर ठीक आ रहा, टेंशन खत्म। हाँ, अगर डर डर के कुछ ऐसे लोग हैं जो बेवकूफ बन जाते हैं, यूं ही खोपड़ी में लगा हुआ है, डॉक्टर साहब कोई तकलीफ है मुझे, डॉक्टर कह रहा है तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, रिपोर्टें होती हैं, डॉक्टर साहब है, वो मन की है, मन ने इतना भ्रमित कर रखा है, मुन्ना ने इतनी स्पेस ले ली है कि 33 के बजाय 50 ले ली, 60 ले ली, और शरीर को महसूस करा रहा है तो बीमार, शरीर बेचारा कह रहा है ठीक तो मैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर उसकी वो धीरे धीरे तबीयत खराब कर देता है। ये मैनिफेस्टेशन है, इसलिए आपको हर समय चैतन्य रहना है, मींस ध्यान रहना है, यानी स्वयं ऑन रखना है। उसके आते ही मुन्ना कहेगा हाँ कमरा कमरा साफ कर दो, ठीक कर दो। जब आपके घर में दादाजी आते हैं, ताऊजी आते हैं, तो आप फटाफट अपना घर व्यवस्थित कर देते हो ना, बच्चों को नहीं कहते 6 बज रहे हैं पापा के आने का टाइम हो रहा है, ओ उनकी तो कॉमिक की भी तह लग जाती है, किताबों पे जेल चढ़ जाती है फटाक से, जैसे ही पता लगा भगवान देख रहा है, ओए होए 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 होए, एक और ओए होए 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 होए, बस खत्म। सेम एक क्वेश्चन भी है। हाँ जी सर, क्वेश्चन ये है कि मुझे लास्ट 30 ईयर से कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज रहते हैं, बट अब सब रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, तो इसका क्या रीजन है? इनको 30 साल से हेल्थ इश्यूज रहते हैं, लेकिन सब फिजिकल रिपोर्ट्स ओके हैं, इसका मतलब मनोमय कोष में पंगा बचा है, और 30 सालों में आप टूट कर गिर कर थक कर डॉक्टर को चढ़ावा दे दे के खुद को हील कर पाए हो, तब जा करके आपकी फिजिकल बॉडी ठीक हुई है, लेकिन मुन्ना फिर से उसको बीमार करने के लिए लगा हुआ है। तो 30 साल से आप बीमार इसलिए क्योंकि ठीक होते हो फिर खराब होते हो, ठीक होते हो खराब होते हो, समझ लो। एक है धन, मन और तन। आपके जीवन में कोई समस्या आ गई, जो भी समस्या आएगी ना वो मन की है कि मेरे मन अनुसार नहीं हो रहा। आप दुखी हो, दुखी व्यक्ति कौन है? जिसके मन के अनुसार जिंदगी नहीं चल रही वो दुखी है, जिसके मन के अनुसार जिंदगी चल रही है वो सुखी है। अब दुखी व्यक्ति कहता है कि मेरे हिसाब से जिंदगी चलनी चाहिए और वो नहीं चल रही, तो वो लड़ता है और जोर मारता है, अहंकार करता है, शरीर का नाश करता है, नींद खराब करता है, धन का भी नाश करता है। अल्टीमेटली वो कहता है मैं ठीक चलाऊंगा गाड़ी। आपकी गाड़ी ठीक नहीं चल रही है तो आप एक्सीडेंट मार रहे हो, अगर आपकी जिंदगी ठीक नहीं चल रही है तो यानी कि जिंदगी में खराबी हो रही है, जिंदगी खराब हो रही है का मतलब ड्राइवर खराब है, और ड्राइवर कौन है ये? अब ये ड्राइवर को अच्छी शिक्षा कोई दे तो ठीक हो जाए। अब ड्राइवरों की जिद क्या होता है? मुन्ना की जिद क्या है? मैं नहीं सीखूंगा किसी से, खबरदार मुझे सब पता है। अब उसे सिखाए कौन? हम कह रहे हैं गुरु चाहिए होता है, कोई मैकेनिक चाहिए रिपेयर के लिए, नहीं मुझे पता है ऐसा हो नहीं सकता, मैं कर ही ठीक रहा हूं। अब जो दिमाग आपका खराब है, जिसकी वजह से जिंदगी खराब है, आप नहीं मानोगे खराब है, वो दिमाग ठीक करना है, और ठीक कौन करेगा? कोई दूसरा ही कर सकता है। अब इसी दिमाग को आप समझा रहे हैं तो मूर्ख है, क्योंकि इस दिमाग को तो पता ही नहीं है, तभी तो वो गलती कर रहा है, अगर पता होता तो ठीक हो जाता, तो पहली बात ये समझेगा नहीं, दूसरी बात ये किसी हालत में खुद को रिपेयर नहीं कर सकता। इसी दिमाग को रिपेयर कैसे करोगे? तब भी दूसरा चाहिए। तो आपके दिमाग का ना स्वयं ऑन करना है। स्वयं ऑन का मतलब क्या है? परमात्मा ऑन करना है। जब परमात्मा ऑन कर दिया तो आप क्या करोगे? आप ना दूसरे को फॉलो करने का गुण डालोगे, अपने आप होगा ये। समझ तो आप सकते ही नहीं, आप पहले करोगे फॉलो। जब आप फॉलो करोगे तो जो गुरु है वो आपका वाला बदलेगा, आपका वाला बदलते ही वो आपके ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट करेगा, आपको समझने की जरूरत नहीं कैसे, डॉक्टर को सब पता होता है।
वो आपके अंदर चेंज करेगा और आपका अपना ही दिमाग थोड़े दिनों में कहेगा अब ठीक हुआ यार, अब बिजनेस ठीक हुआ, अब काम ठीक हुआ भाई, अब सब सुधर गया, पहले बहुत लड़ाई होती थी, अब 3 साल तक झगड़े हुए हमारे पति पत्नी के, अब फिर बढ़िया हो गया, फिर ये चेंज हो गया। जब ये चेंज हो गया सब सही हो गया। इसे चेंज करने के लिए किसका इस्तेमाल किया? गुरु। गुरु ने क्या ऑन किया? आपका परमात्मा। आप कैसे परमात्मा ऑन करेंगे? आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसने आपको तंग किया, आप चाहते हो यार ये ना आए, आपको वो आदमी पसंद ही नहीं आएगा जो पैसे देने आया है, आपको वही पसंद आएगा जो पैसे देने आया है। तो ये मुन्ना का स्वभाव है, आप कहोगे नहीं आओ, अब खून जल रहा है, ये पैसे ले गया, ये मेरा टाइम ले गया, ये सारा नजायज कर गया, ये आदमी ही सही नहीं है, मुझे तो नफरत है, सब कुछ हो गया। अब आपको सिर्फ एक चीज जाननी जरूरी है, यार ये आदमी आया नहीं, ये नहीं आया भाई, मैं अपने आप को ठीक कैसे करूं? क्रोध है, क्लेश है, सड़े हुए हैं, यार परमात्मा की इच्छा थी, क्या मेरी इच्छा थी वो आए? नहीं। मुन्ना की इच्छा थी? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो चाहता नहीं, मेरा मुन्ना ही तो मन है, लेकिन मेरे प्रारब्ध में लिखा था ये बात पक्की है और मुझे इसका ज्ञान नहीं है, लेन देन है जीवन का, उस समय मेरे को एक एक्सक्यूज लेकर चलनी है, सिर्फ एक आदत डालनी पड़ेगी इसकी, यार परमात्मा ने भेजा उसकी मर्जी, दफा करना। उससे झगड़ा हो गया पड़ोसी से, यार परमात्मा की इच्छा थी, दफा करना। किसी के साथ झगड़ा नहीं है। कोई व्यक्ति आपके पैसे ले गया, आपने सही डिसीजन किए, सारे सही काम किए, फिर भी आपका चला गया, परमात्मा की इच्छा थी यार, खत्म करो। जब परमात्मा बीच में आएगा, मुन्ना सारा कुछ ठीक करने लग जाएगा, पैसे भी लौट आएंगे, वो व्यक्ति भी आपको फायदा पहुंचा देगा, जीवन भी सुखी हो जाएगा। परमात्मा बीच में घुसा हो, मुन्ना के पास कुछ हुआ वो क्या करेगा? कुड़ना शुरू। जिस चीज की जिद करेगा मुन्ना उसको बढ़ा देगा। आपके पास तन मन धन आया, ये खूब सारे पैसे आ गए, अब ये पैसे जो है ना ये आपने खर्चा करने हैं, आपका कुछ घट गया है ना इन दोनों में से, इसका मतलब ये बढ़ा हुआ है, पैसे खर्च दो, नहीं है तो भी खर्च दो, जुगाड़ ले लो, उधार कर लो, खर्च दो, कोई सा भी धन खर्च के यदि मन की शांति मिलती है खर्च दो, कोई सा भी धन खर्च के तन की शांति मिलती है खर्च दो, क्या होगा? धन दोबारा आ सकता है, अनलिमिटेड है। स्पेस एलिमेंट बढ़ाना है आपको अपने अंदर, स्पेस मींस आकाश, खूब जगह बनानी है, सब परमात्मा का है। जैसे परमात्मा परमात्मा ये वर्ड घुसाना शुरू करोगे, चाहे झूठा ही सही, आपका स्पेस बढ़ जाएगा। जैसे ही आपका परमात्मा का स्पेस बढ़ेगा, आपके पास धन अनलिमिटेड है आ जाएगा। आपने धन फूका तो आपका मन भी शांत होता है, आपका तन भी स्वस्थ होता है। डॉक्टर का चढ़ावा फटाक से दो, डॉक्टर कहेगा सारी रिपोर्ट ओके, फिर दो, यूं ही पागल हो मुफ्त में, सारे विटामिन चेक कराते रहो, यूं ही कोलेस्ट्रॉल चेक कराओ, अकाउंट में जमा हो रहा है कोटे में कि डॉक्टर के पास इतना पैसा जा चुका है, गवर्नमेंट को टैक्स दे चुके हैं, गवर्नमेंट लास्ट में आपका चालान नहीं काटती, ब्याज नहीं लेती, एडवांस टैक्स। टेस्ट में सेल्फ लिखवाओ, मेरा नाम ले देगा ना, मैं सेल्फी दूंगा, डॉक्टर का नाम लिखवा, मेरा घमंड भी तो उठेगा। ये डिसाइड नहीं करना कि डॉक्टर के पास से कहीं और जा रहा है, आपको धन घटाना है। जब भी ये दोनों में से कोई तंग हो रहा है, कैसे पता चलता है कि ओवर हो गया? जैसे ही पता चला कि ये दोनों तकलीफ में है, अगर आपका तन तकलीफ में है तो ये तकलीफ में सिर्फ 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 तब है जब मन पर तंग कर रहा है या धन तंग कर रहा है, दोनों में से एक ने ज्यादा जगह घेर ली ना 33 से ऊपर। कौन बाहर जाए, वही तो बता रहा हूँ कि मुन्ना ने हमेशा सोचा है कि धन से ही मुझे जीवन में सुख मिलेगा, इसीलिए वो दुनिया भर का धन इकट्ठा करने में लगा रहता है। अब जब ये सोचता है मेरा यही है, मेरे को सुख इससे मिलेगा, इसकी बात नहीं हो रही है। मुन्ना मन को चाहिए सुख, शरीर तो एक बेड पे सोता है, शरीर सो जाता है आराम से, खत्म हो गया, कोई लेन देन नहीं। मन कहता है सोने का बेड चाहिए, महल चाहिए, महल, सोना बेड पे ही है, शरीर की तो बात ही नहीं हो रही, ये पागल हुआ पड़ा है, ये इसको भी खा जाएगा और इसको यही सुख दिखता है, तो ये इसको छोड़ेगा नहीं। कभी भी धन देते हो मौत पड़ती है हमें, तो ये अक्सर आलस करा देगा, अक्सर ऐसे लोगों से मिलने नहीं देगा जिनसे दिन को हमें धन देना है, वो लोग हमें बुरे, कई बार पता भी नहीं चलेगा कुछ भी। लेकिन इसका उत्तर क्या है? उत्तर है धन त्याग दो, फटाफट धन त्याग दो, यूं ही त्याग दो। कहां त्याग दो? गुरुद्वारे में। वो क्या करते हैं? भगवान को देते हैं, भगवान का सीधा उसूल है, मैं वापस दूंगा। मांगे राम के पास 1 करोड़ रुपया है, अरे सुखी है, मन कह रहा है और चाहिए। जैसे ही 1 करोड़ से ऊपर के चक्कर में जाता है, इमीजिएटली इसकी जिंदगी में नरक हो जाता है, घर में क्लेश शुरू हो जाते हैं, मन के दुख, कोई भी तन के दुख शुरू हो जाते हैं। अब ये या तो इसको हिम्मत नहीं है यार इससे ऊपर सोचूं, तो ये सारी जिंदगी कुड़कुड़ के मर जाता है। ये कहता है नहीं मरने दो,
रिश्ते तो ऐसे ही है, चलते रहेंगे सारे ऐसे की तैसे, इतना तो शरीर झेल लेगा मेरा, ये धीरे धीरे शरीर को थोड़ा सा बीमार कर लेता है, रिश्ते धीरे धीरे खट्टे हो जाते हैं। इसके पास पैसा पड़ जाता 2 करोड़ में, कहता क्या मजा आया, 1 करोड़ से 2 करोड़ होंगे, मजा कैसे आ रहा है, सिर्फ अहंकार को। आप 2 करोड़ हो गए, कौन है क्या होगा, आप रात को सो रहे हो पलंग पे, आपके पास 1 करोड़ है तो भी शरीर का वही काम करना है, आपके पास 100 करोड़ है तब भी शरीर का वही काम करना है, ये थोड़ी करना है 100 करोड़ हो गया अब मैं उठता हुआ सोऊंगा, कैसे सोओगे, मैं अब ऐसे खाऊंगा नहीं उछाल के बैडमिंटन रैकेट से, वैसे ही खाओगे मलमूत्र के लिए कुछ स्टाइल से थोड़ी पोटी करोगे, वैसे ही होगा, शरीर का धर्म नहीं बदलता, इसीलिए आपके मन ने आपको 1 करोड़ 2 करोड़ का पागलपन देना है, ये आपके लिए मलमूत्र ही है, आप इसे भोग नहीं पाओगे, जो पैसा आया और भोगा नहीं वो आया किसका, तो अब मांगे राम ने जान लिया 1 करोड़ आया तो बड़ा ठीक ठाक था, 2 करोड़ आया बीमार पड़ गया, दुखी हो गए, उनको बर्बाद हो गए, पागल हो गए, और मांगे राम को उल्टा ये आदत पड़ गई रोने की सारे टाइम, पैसा नहीं है यार, या तो 50 लाख होगा या 2 करोड़ आ गए, या वो कहता और चाहिए, ये तो बहुत दिक्कत है यार, इसके बिना तो हम तबाह हो जाएंगे, तो उसका पैसा पैसा, अब पैसा जब जाता है तो बलि देके ये दोनों ठीक होते हैं, लेकिन वो तो पैसे नहीं दिए जा रहे उससे, अब वो कह रहा है पैसा नहीं दूंगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अब वो पैसा और नहीं देगा, और रेजिस्टेंस और झगड़ा, और पैसा पैसा कर रहा है, पैसा भी आता जाएगा और बीमारियां आएंगी, क्योंकि इसने इतनी जगह घेर ली है कि ये खराब, सारी खराबी इस पर ठोक देगा, मरना मन मर रहा है, रिश्ते नहीं है, कोई झंझट नहीं, परेशानी, सुख नहीं है, शांति नहीं है, चैन नहीं है, क्योंकि स्वयं नहीं है ना, और शरीर बीमार हो जाता है। तो इसको ज्ञान दे दिया एक महाराज ने कि बेटा किन चक्रों में लगा है तू, बेटा सब मोह माया है, इसको समझ आ गया, तो महाराज लेकिन मन तो मेरा कहता 10 करोड़ होते, बोले बेटा 10 करोड़ क्या ऐसे आ जाएंगे, बोले महाराज कमाल है, ये कैसे आएंगे, ये तो आपने विचित्र बात की, बेटा जब आएंगे ना तो सोच ले कि 9 करोड़ तुझे औरों का मंगाना है, अपने आप तेरे पास ईश्वर बढ़ा के देगा। बोले भगवान वो कैसे होगा, बोले बेटा जब भी तेरे पास कुछ आता है ना, 8वां हिस्सा दान कर दे, इसे दशवंत कह के पॉपुलर किया हुआ है, 8वां हिस्सा मतलब मान लो 1 लाख दान कर दिया उसने, आया तो अगले 1 करोड़ में से 1 लाख दान कर दिया, तो प्रकृति का उसूल है, प्रकृति है ना, प्रकृति पे क्लास कर सकते हैं, प्रकृति का उसूल है, कहीं भी कुछ बीज डाल दोगे, पानी दोगे, वो 100 गुना बढ़ा देगी उसे, प्रकृति का उसूल है, 1 लाख के 8 लाख मिलेंगे, क्यों मिलेंगे 8, इसका क्लास हम किए हुए हमने, मनी हाउ मच इज माइन और वेस्टेज, 8 लाख वापिस देगी, तो जब जब ये बढ़ा के देता रहेगा इसके पास और आता जाएगा, धीरे धीरे 2 करोड़ से 10 करोड़ पर पहुंच जाएगा, लेकिन देने का गुर्दा नहीं है, 1 लाख दिया नहीं जाता, एक पागल है कि हम दे दें, सिख धर्म में ऐसे पागल उनको लोगों ने ही ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, 2% सिखों ने दुनिया में नाम कमा लिया है दे दे के, किसको दे रहे हैं वो अजी पता ही नहीं, पता नहीं होना चाहिए मुन्ना को, पता नहीं होना चाहिए, इसलिए हम पता नहीं कहते, हम अक्सर क्लासेस में कहते हैं हम पता, लेडीज को बोलो पता मत करो, सब पता करने में लगी रहती है, स्वयं ऑन ही नहीं होगा, टेंशन में रहेंगी हमेशा, शरीर खराब होगा और आकर्षण कम हो जाएगा चीजों का, व्यक्ति मिलना आकर्षण है, धन मिलना आकर्षण है, प्रेम मिलना, क्योंकि वो तो चुंबक है ऑलरेडी, और वो चुंबक है इसलिए खतरनाक है, वो रिपेल कर देगा, वो दूर फेंक देगी, आई हुई चीज नहीं मिलेगी उसे, इसलिए उसको बहुत ज्यादा जरूरी है, सब कुछ पता नहीं करो क्या मिलेगा, पता करके, पता कर लिया फिर रो, आखिर में क्या होगा, मुन्ना आपका एक्टिवेट होगा, स्वयं ऑफ हो जाएगा, स्वयं ऑन करना है, ये 8 लाख मिलेगा, ये व्यक्ति मुफ्त में करोड़पति बन जाएगा, ये करेगा क्या, इसकी चेंज क्या किया इसने, इसने स्वयं को बुला लिया मुन्ना के साथ, इस पे 1 करोड़ आया तब भी जैसा था, 10 करोड़ आया तब भी ये वैसा ही है, ये चेंज नहीं हुआ, इसका लॉस हुआ ये चेंज नहीं हुआ, इसका फायदा हुआ चेंज नहीं हुआ, इसके पास 1 करोड़ हमेशा रहेगा, पूरी जिंदगी पूरे जन्म रहेगा, कोई व्यक्ति जो इसने 100 करोड़ इकट्ठा कर लिया वो एक जन्म में उसे भोग ही नहीं पाता, यानी उसका था ही नहीं, जिस जिसका था वो रह गया, धरती पे जमीनें भी रह गई, प्रॉपर्टियां भी रह गई, कौन ले गया, आखिर तक मृत्यु तक एक ही बात काम आती है, क्या मेरा शरीर ठीक है, क्या मैं हेल्दी शरीर में रह रहा हूं, और हेल्दी व्यक्ति की मजे की बात, कौन है हेल्दी, जिसे पता ही नहीं वो हेल्दी है, आपको पता नहीं होता जब आप शरीर ठीक होता आपका, आप ध्यान ही नहीं देते शरीर की तरफ क्योंकि ऑलरेडी ठीक है, यानी कि आप ऊर्जा का गार्ड लगाना सीखे, आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए कि मेरा शरीर मेरे लिए महत्वपूर्ण है, सर चिंता नहीं होनी चाहिए इसकी, चिंता फिर मुन्ना आ गया, ये शब्दों को ध्यान से पकड़ना है, ये आपको शब्द ध्यान से पकड़ने, अन्यथा आपके मुन्ना
छलावा पैदा करके कि मैं सेल्फ आ गया हूँ, आपके शरीर को खा जाएगा। हाँ जी बोलो सर। जैसे हमने डॉक्टर के चढ़ावे की बात की तो एक क्वेश्चन आया है कि हाउ टू गिव डॉक्टर्स मनी इफ वी लिव इन अ कंट्री विद फ्री हेल्थ केयर। डॉक्टर का पैसा कैसे दो अगर हम फ्री हेल्थ केयर की कंट्री में रहते हैं? टैक्स दो ना, वो डॉक्टर के पास तो जा रहा है। बहुत ही आग लग रही है तो दान करो किसी ट्रस्ट में, गरीबों को दो, लोगों को रोटी खिलाओ, किसी खिला रहे आपको पता ही नहीं। जो दे दिया उसके बारे में सोचना नहीं, धन की बलि दे दो ये मिल जाएंगे। धन की बलि दो, मन भी खुश होता है तन भी। मन खुश होता है जब स्वयं के अंडर होता है, बाकी टाइम मन सिर्फ अहंकार करता है, इसका कोई लेना देना नहीं। आपके जीवन में आपका जीवन हमेशा सुखी तब है जब आप कंफ्यूज नहीं है और आपने डिसीजन ले लिया। डिसीजन कौन लेगा, निर्णय कौन ले सकता है? ये खोपड़ी लेती निर्णय, लोगों के डिसीजन नहीं हो रहे यार, ये लूं कि नहीं लूं। अच्छा मेरा तो डिसीजन हो गया मैंने गाड़ी लेनी है, परमात्मा गाड़ी नहीं दे रहा। मेरा डिसीजन हो गया शादी करनी है, लड़की नहीं मिल रही, लड़का नहीं मिल रहा, तो डिसीजन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये खोपड़ी अभी भी स्वयं के अंडर नहीं है जो ऑटोमेटिक काम करे। स्वयं ऑटोमेटिक काम करता है, सांस स्वयं चलती है, सांस सही तब तक सही स्वयं चल रही है जब तक मुन्ना ने उस पर कब्जा नहीं किया। जैसे ही आप डरेंगे सांस चेंज, जैसे ही आप घबराएंगे सांस चेंज हो जाती है, आप हल्ला मचाओ सांस चेंज, सांस स्वस्थ फिट कैसे चलेगी? जब स्वयं होगा। स्वयं कब होगा? जब परमात्मा पे छोड़ा। परमात्मा कहां से आएगा बीच में? जब आप मैं करना बंद करोगे, और वो कब है? जब आपके जीवन में डिसीजन सही है। डिसीजन सही लेता कौन है? स्वयं, जो परमात्मा बेस्ट डिसीजन लेगा। और आपके डिसीजन कब सही होंगे? जब ब्रेन शांत है। शांति किसके पास है? स्वयं के पास। ब्रेन एक्साइटेड है, क्रोध में है, क्लेश में है, नखरों में है, गुस्से में है, उदासीनता में है, डिप्रेशन में है, रो रहा है, पिट रहा है, ऐसा लड़का नहीं चाहिए, ऐसी जॉब नहीं चाहिए, ऐसे थोड़ी पैसे कमाने हैं, ये भी कोई नौकरी है, मेरा कोई इंप्रेशन खराब ना हो जाए। आपका ब्रेन कौन चला रहा है? मुन्ना। आपके डिसीजन बनेंगे आपके भी नहीं बनेंगे, परमात्मा के भी नहीं। आप ऐसे घूमते रहोगे अंधे, यार ढूंढ रहे घर नहीं मिल रहा, ढूंढ रहे लड़का नहीं मिल रहा, लड़की नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, यार ढूंढ रहे अंधे। तो डिसीजन तो स्वयं लेगा, तो डरे मरे हुए क्यों हो, घबराए हुए क्यों हो? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? किसी से सीखने को राजी नहीं है। क्यों राजी नहीं है? मुन्ना कहता है हेलो मेरे को 33% से ऊपर चाहिए हिस्सा प्रॉपर्टी में, बस लुट गए। देना शुरू करो, त्याग दो। आप शरीर से मलमूत्र त्यागते हो जीवन सुखी, क्रोध त्यागते हो जीवन सुखी, जो त्याग देते हो वही सुखी, और जिस चीज पे जिद मारते हो बढ़ जाता है। पर यहाँ पे सर मन को त्याग नहीं सकते, जैसे अपने तन को थोड़ा सा त्याग के धन मन बढ़ा देते हैं, धन को आपने त्यागने का तरीका बताया मन और तन बढ़ाने के लिए, लेकिन मन का जो त्याग है ये बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं है ना, हो नहीं पाएगा ना इसका, है ही नहीं, मन त्यागेगा ही नहीं, मन को और चाहिए, स्वयं त्यागेगा नहीं, डंडा अच्छा हाँ स्वयं त्यागेगा। जैसे ही स्वयं मन होता है, जब सेल्फ परमात्मा आता है, आपके घर परमात्मा आ गया, आप क्या कहोगे? भगवान तेरा ये सब उसी को दोगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप मोह में हो, आपको एक लड़की से प्यार हो जाता है, आप मोह में हो, प्रेम है आपके, ऐसी की तैसी है, कच्चे खरीदने के पैसे नहीं है, आप आईफोन दे दोगे गिफ्ट से। ये अजीब अजीब किस्से देखे ना, बाप के पैसे चुरा के बच्चे आईफोन ले दे, ये सच्ची घटनाएं हुई है, अखबारों में सुना मैंने, साला क्या हाल होता है, क्यों मन तो इतना पागल है, ये आपको डिस्ट्रक्शन देता है, तबाही कर देता है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है समझने का, कि हमारे जीवन के अंदर जब तक सेल्फ ऑन नहीं होगा, स्वयं ऑन नहीं होगा, और स्वयं गॉड कॉन्शियसनेस है, तब तक कोई भी चीज प्राप्त नहीं होगी। एक बार एक गांव में साधु था, वो साधु नदी पार करके जाता था अपने आश्रम पे, और फिर दोबारा भिक्षाटन के लिए चला जाता था नगर में, तो बड़ी मुश्किल से नदी की पगडंडियों से चलना, गीले होके तैरते हुए जाना, कमंडल और गठरी उठा करके, एक नाविक दिख गया उसको, बोला ये कहां साधु महाराज रोज रोज ऐसे करते हो, आप ना एक घंटा वेट कर लिया करो, मेरा जब लोगों का टाइम फ्री होता है तो आपको मैं पैसे लिए भी नहीं चला जाऊंगा ले जाऊंगा, भाई 4 से 5 बजे के बीच कोई नहीं यात्रा करता, तो नदी की पार करा दूंगा आपको और सुबह सुबह ले जाया करूंगा। बोले बच्चा है तो बड़ी परमात्मा की कृपा है, वाह आनंद आ गया। नाविक ज्ञानी होने की इच्छा रखता था मछुआरा, बोले बड़ा मेहनत करते हैं जी, बड़ी कठिनाई होती है, कभी कभी मछलियां नहीं मिलती, पर काट लेते हैं जीवन कर लेते हैं बसर, तो हमें तो कृपा परमात्मा की, उसने चोरी करने की प्रेरणा नहीं दी,
तो हम मेहनत से खाते हैं साधु जी, जो मिला काट लिया, जिंदगी ठीक है, गुजारा हो जाता है। बोले बच्चा बड़ी शाबाशी है तेरी, मैं तुझे प्रवचन सुनाऊंगा। तो रास्ते में वो लोग भजन करते हुए जाते, भगवत गीता के श्लोक सुनाते महाराज, भगवा वस्त्र पहने हुए, क्या सुगंधित चंदन की माला उनके पास और सुंदर वचन, अद्भुत श्लोक। वो मछुआरा कहता था महाराज, साधु जी मैं तो मतलब क्या बताऊं, कृपा ही कृपा है, मैं पता नहीं आनंद सा आता आपके साथ, समझ में बहुत कुछ नहीं आता लेकिन आनंद आता है मेरे अंदर। बोले बच्चा तेरे अंदर वो बटन ऑन हो गया है, जब तू एक गरीब साधु को खुद गरीब होके भी फ्री में नदी पार करा सकता है तो बेटा तेरे अंदर मनुष्यता से ऊपर देवत्व है। बोले महाराज ये सब बातें मुझे समझ नहीं आती, चलो खैर। तो रोज का ये कार्यक्रम हो जाना उनका, भजन चलने, श्लोक चलने, गीता के पाठ चलने, पुराणों की बात होनी, जीवन क्या है अर्थ तत्वार्थ देना। उसने कहा महाराज अब ज्ञानी कितने थे, बस साधु तो ऐसा ही होना चाहिए। समय बीतता गया और धीरे धीरे उस साधु ने कहा यार गजब का व्यक्ति मिला है। उसको नदी पार कराते हुए जब अपने आश्रम की ओर लेकर गया तो झोपड़ी के पास ले जाके बोला अंदर आ जाओ। उसने कहा महाराज मैं चलूं, आज क्या खास बात है? नहीं आओ। अंदर ले गया और बोला ऐसा है, पहले मैं बहुत बड़ा व्यापारी था और जीवन में बहुत धन कमाया, समय चक्र बीता, कुछ ऐसे हालात बने कि मेरे पति, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, भाई भतीजे सब मुझे छोड़ गए, पत्नी तो मरी गई, बेटे का पता ही नहीं चला और क्या क्या जीवन में नहीं मैंने काटा, फिर मैं अकेला हो गया। फिर भगवत कृपा हुई और मेरा ध्यान चला गया साधना की ओर, मैंने वेद पढ़े, संस्कृत का ज्ञाता हुआ और समय के साथ साथ मैंने जीवन के अंदर अपने ये ज्ञान प्राप्त किया कि सब मोह माया। बोले महाराज जी तो आप मुझे बता सिखा चुके लेकिन आपकी कहानी सुन के बड़ा अजीब लगा, पर परमात्मा की इच्छा यही आप कहते हो मैं यही मानूंगा। बोले बेटा ये पोटली रख ले। बोले इसमें क्या है जी? खोला तो जवाहरा, स्वर्ण मुद्रा है। बोले महाराज साधु जी आप इस, आपके पास ये, आप कैसे कुटिया सी में रहते हो, ये कैसा त्याग है? बोले बेटा मैं क्या बताऊं, मैं मुझे सुपात्र नहीं मिला, ये धन अब मेरे लिए व्यर्थ हो गया, लेकिन मैं सुपात्र ढूंढ रहा था, कोई मिल जाए तो उसको दे दूं। तुम मुझे सुपात्र लगे, तुमसे सुंदर व्यक्ति कोई नहीं, क्या तुम्हारा मन है, क्या आचरण है? बोले पर महाराज आपने शिक्षित किया है तो फ्री का धन है, यह आएगा तो आचरण खराब करेगा, मन में कुंठाएं लाएगा, अहंकार देगा, लोभ कराएगा, अय्याशी कराएगा, मेरा तो परिवार नष्ट हो जाएगा, ये मैं नहीं ले सकता। बोले बेटा क्या बात कर रहे हो, ये तो तुम्हें ले लेना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ इतने समय से हूं, तुम मुझे सुपात्र लगे हो। बोला महाराज ये नहीं ले सकता, परमात्मा ने नहीं दिया मुझे, यानी अपने आप नहीं आया, स्वयं ये मुझे आप दे रहे हो। तो बोले बेटा साधु बोल रहा है तुम्हें ये? बोले महाराज कैसे साधु हो, आप भगवा पहनते हो, भगवत गीता के श्लोक की बात करते हो, कृष्ण चरित्र की बातें करते हो, आप अभी तक इस धन को त्यागने के लिए सुपात्र ढूंढ रहे थे, त्यागना था तो त्याग ही देना था, आप तो फिर सुपात्र ढूंढ के मुझे दे रहे हो, फिर मुझसे रिपोर्ट लेते रहोगे क्या किया, धन से तो छूटे ही नहीं आप। तो साधु ने उसे नमन कर लिया, बोले तुम मुझसे बड़े साधु हो, ना भगवा पहनते हो, ना कोई ज्ञान व्यान की पढ़ाई करी, दूसरे की चीज को दूसरा मान करके उसे त्यागने की शक्ति है तुम में, मुझसे मेरी चीज नहीं त्यागी जा रही, तुम्हें फ्री मिल गया तुमने वो त्याग दी, क्या प्राण है तुम्हें, सोच के चलिए साधु कौन, कौन है साधु? जो व्यक्ति ये जान गया कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, वो फूल देखता है कांटे नहीं, कि जो मिल गया वो बतेरा है, इससे ज्यादा चाहिए, नहीं मिला, नहीं मिला मेरा नहीं है, खत्म ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, आपका मन मस्त है तो धरती पे समस्त है। अगर आपको ये करना ही नहीं आया तो आप जीवन में दुखी ही रहोगे, भले ही कितना सुख साधन संपन्नता मिल जाए। ऐसे बहुत लोग हैं जो फूल देखते ही नहीं, ये नहीं मिला, उसने ऐसा कह दिया, मुन्ना को ताकत दे रहे, शरीर रोएगा, जीवन भर स्वास्थ्य को रोते रहोगे, पैसे से भी स्वास्थ्य नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि मन का कब्जा है। धन की बलि दे दे के शरीर ठीक होता रहेगा, बार बार ठीक होता रहेगा, लेकिन खोपड़ी वही मुन्ना ने काबू कर रखी है, आपके हर काम में रुकावट होगी और आप हील नहीं होंगे। हीलिंग कैसे होती है? स्वयं पर, क्या स्वयं के पास ब्रेन है? नहीं, ब्रेन तो मेरी नफरत के पास है, मुझे तो क्रोध आता है, क्लेश आता है, क्यों? भूलने की शक्ति नहीं है, मन को इंपॉर्टेंट समझा है इसलिए भूल नहीं सकते। मुन्ना इज गॉड ऑफ मेमोरीज, मुन्ना के पास सारी मेमोरीज है, मुन्ना के पास पूरे जीवन का नक्शा है। आप मजे की बात देखें, जब ये स्वयं यहां पर स्थापित होता ना, यानी अवेयरनेस कि यार क्या कर रहा है मेरा मन, इसलिए हम कहते हैं मुन्ना से बात करो, मन कर क्या रहा, क्या चल रहा है मेरे खोपड़ी में, हम रीड कर सकते हैं। जब ये होता है तो मजे की बात, मुन्ना के पास 100 साल का नक्शा है,
वो बता देता कल क्या होगा परसों क्या होगा। ऐसे लोग ये कहते हैं मुझे लग ही रहा था चार दिन में ऐसा होगा, यार मुझे लगता है मेरा घर बनेगा, कौन बता रहा है, मुन्ना से ना खबर लीक हो जाती है, और जिसने इसमें मास्टरी होगी ना जिसकी, वो भविष्यवक्ता बन गया, वो पाप पुण्य धोने वाला बन गया, वो आपको आशीर्वाद और वरदान देने वाला बन गया, शाप भी दे सकता है वो व्यक्ति, क्योंकि मुन्ना सर्वशक्तिशाली है, लेकिन मुन्ना उसके लिए काम कर रहा है। सर्वशक्तिशाली कृष्ण जब अर्जुन के लिए काम करते हो तो क्या अर्जुन उनसे बड़ा ना हो गया? अजीब सी बात है, पर जो अर्जुन कृष्ण से भी बड़ा हो गया, वो खुद कृष्ण के चरणों में पड़ा है, ये कैसा सर्कल है? सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, हु इज द मास्टर? परमात्मा एक एक काम करेगा, लेकिन गॉड कॉन्शियसनेस खोपड़ी में चल रही है क्या? अरे परमात्मा ने भेजा, अरे परमात्मा ने भेजा, लूटने वाला पैसे दे गया, जो ले गया दे गया वो परमात्मा, उस पे डाल दो, पैसे लूट गया यार मेरे, मेरे को ना मामा जी ने पैसे नहीं दिए, यार परमात्मा को दे दिए मैंने, मामा जी को छोड़, आठ गुना वापिस आएंगे, पता नहीं आएंगे कैसे, और आपने ही कहीं ना कहीं कमांड दी होगी जो ले गए, आप ही भजन करते रहते होंगे, साले दुनिया बड़ी कमी है, दुनिया बहुत कमी है, दुनिया बहुत कमी है, आठ बार बोला नहीं एक कमी ना प्रकट हो जाएगा, ले जाएगा पैसे, गाली बच जाएगा, लड़कियां कहेंगी सारे लड़के होते ही कमीने हैं, होते ही गंदे हैं, होते ही गंदे हैं, ढंग का मिलेगा ही नहीं, आप जो भज रहे हो वही तो हो रहा है, कहां मिलती है नौकरियां यार, कहां मिलती है भाई, बड़ा मुश्किल है आजकल, बड़ा मुश्किल है, कहां बच्चे सुनते हैं आजकल, बच्चे सुनते ही नहीं, यही मुन्ना ने ही गाड़ी चला रखी है, वही हो रहा है, आखिर में तन पे कष्ट आएगा, तन पे आया कष्ट धन की बलि देके ही ठीक होगा, धन दिया नहीं जाता, दे दो फिर आएगा, धन धौर लौट लौट के आता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मन के विकार में पड़े हैं, उन पे ना धन है ना तन है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका एक लाख रुपए दिन का बेड का खर्चा होता है आईसीयू में, 20-20 दिन तक सड़ सड़ के पड़े रहते हैं, करोड़ों रुपया ना भोग रहे ना तन का सुख, सड़ सड़ के मरते हैं क्योंकि आत्मा फंसी हुई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास न तन है न मन है धन है, ये हमें दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है, तन कैसे पलता पुसता है? तन और धन तो मतलब टेंजिबल ही है, चलो मन कह सकते हैं कि इंटेंजिबल है, नहीं समझ में आता, बट तन और धन तो टेंजिबल है, सबको दिखते ही है। हाँ दिखते हैं, बीमार है मन, मन बीमार है वो भी दिखता है, मन बीमार भी दिखता है, वो भी दिखता है, वो है तो शायद मुझे ना पता चले, मुझे या तो शायद आपको ना पता चले, ऐसे लोग हैं तो पता चलेगा, मजे की बात पकड़िए, कह रहे कि तन मन धन में से तन धन तो पता लगता है, ऐसे ऐसे लोग हैं तन में बीमारी पता नहीं चलती, पता ही नहीं चलती, ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरे अपने पर्सनल जानकार है जो जिनको अभी अभी जीएसटी की रेट पड़ी है 10 करोड़ की, वो कोठी से सारी गाड़ियां बेच के सीधा का सीधा फ्लैट पे आ गए, पैसे का पता ही नहीं था, एक दिन में पता नहीं चला कहां गया, बैंकरप्ट होते हैं लोग, तिहाड़ में पड़ा पीछे एक बंदा 800 करोड़ का दिवाला पिटा सीधा जेल, पर्सनल हवाई जहाज था वो भी बिक गया, ये बची नहीं कुछ भी नहीं, ये हमें लग रहा है, इसीलिए जीवन के अंदर सबसे जरूरी क्या है? ज्ञान, और वो ज्ञान बताता है शरीर सबसे जरूरी है, पैसे के पीछे इतने पागल मत हो, मन पागल है इसके पीछे पागल मत हो, मन को काबू करना क्या तरीका है? मन आपका आपके स्वयं के अंदर काबू कब है? सोचो जब आपके सामने गुलाब जामुन पड़ा है, आपका मुंह कह रहा है मुन्ना बता रहा है ये पेट में जाएगा, मुंह में रबड़ी जैसा घुलेगा, इसकी चाशनी कहेगी ता रा 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 रम पम, सिवाय सुख के कुछ नहीं, शुद्ध वैष्णो ढाबे से आया है, अबे पागल है कितनी देर बात करा, सीधा गप कर मुंह में डाल ना। अब मन जब स्वयं के अंदर है तो वो क्या करेगा? ठीक है गुलाब जामुन है खाया यार, क्या रखा है खत्म। ये झगड़ा अगर कर रहे हैं हम, है तो बड़ी प्यारी चीज, शुगर बढ़ जाएगी यार, फैट बहुत है, कैलरी बहुत, तब भी मन है। जो नहीं खाने दे रहा वो भी मुन्ना है, और खाने देने के लिए पागल कर रहा वो भी मुन्ना है। जब आप ये कह रहे हैं हाँ ठीक है पड़ा गुलाब जामुन खत्म, तब स्वयं है, रेजिस्टेंस है ही नहीं, ना खाने की ना ना खाने की, मुझे आपसे मिलना है, मैं आपसे नहीं मिलना है, ये दोनों मुन्ना है, आपसे मिलना है नहीं मिलना है ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मिल जाओगे बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलोगे ये इससे भी अच्छी बात है, चालू भाषा में कहते हैं ना, हो जाए तो अच्छा ना हो तो और भी अच्छा, ये स्वयं है, आपको स्वयं एक्टिवेट करना है, वो अपने आप मुन्ना मुन्ना हाथ जोड़ के वो ही कर देगा सब कुछ। चालू भाषा का शब्द है जुगाड़,
लोग कहते हैं भाई जुगाड़ हो गया, जुगाड़ हो गया मतलब यार पता नहीं भाई कैसे हो गया, मन रो रहा है, पैसे चाहिए, 5 लाख रुपए सुबह है नहीं, जुगाड़ स्वयं वो कब होगा जब आप पूरी जिंदगी जुगाड़ में निकल जाती है, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद मन हारता है उनका, भगवान पे छोड़ दिया, स्वयं मन हो गया और फिर जुगाड़ हो जाता है। पर वो रोज लड़ते हैं, रोज कलेश मचाते हैं, रोज टीटी करते हैं, छोड़ना नहीं आता। इस पे क्लास की हमने लीव द आर्ट ऑफ लिविंग, हमसे छूटते हैं, आप छोड़ना सीख जाओगे जीवन सुखद हो जाएगा, कौन करेगा? परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, हमारी सांस को कौन चला रहा है इसका उत्तर ढूंढ लो कि मेरी सांस कौन चला रहा है। मैं सोता भी हूं, बीच में खाती भी हूं, अपना नाचते भी हैं हम, रोते पिटते भी, सांस कौन चला रहा है, किसको स्यापा पड़ा है? और हमसे पूछता नहीं वो कब चालू किया, हमसे पूछे बिना वो निकल भी लेगा, कौन है वो? खत्म। स्वयं चला, स्वयं को जागृत और विकसित कैसे कर सकते? स्वयं को हम कुछ नहीं कर सकते, स्वयं को ना जागृत कर सकते ना विकसित कर सकते, हम स्वयं की ओर ध्यान देके कह सकते हैं आओ गाड़ी चलाओ, हम तुम पे छोड़ रहे हैं, हमने ना लड़ना है ना भिड़ना है ना सड़ना है ना कूदना है ना जिद मारनी है, अपने आप होगा। सांस कैसे चल रही है? सांस लेने के लिए क्या करते हो आप? कुछ तो करते होंगे, कम से कम हिलते डुलते कुछ, कहीं कुछ तो करना होगा, ऐसे नहीं हो सकता भाई, सोच लो थोड़ा सा कुछ, शायद दिल हिला देते हो, फेफड़े कुछ तो करते होंगे, कुछ नहीं करते, सोचो कुछ भी कर ही नहीं सकते। सेकंड क्वेश्चन, सोने के लिए क्या करते हो आप? सब छोड़ना पड़ता है। छोड़ते कैसे हो मैं बताओ, छोड़ते कैसे? छोड़ भी नहीं सकते, अपने आप छूटता है, ये भी बता दो। आप जब अपने आप स्वयं के पास जाते हो अपने आप छूट जाता है, मुन्ना कहता है ओके बॉस, ये अपने आप होता है प्रोसेस, और हमने अभी से कभी देखा नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या है? एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है? मुझे वैसे पता नहीं है क्योंकि मैं एनलाइटन नहीं हूं, पर यही होता होगा शायद कि मुझे पता है कैसे स्वयं पे शिफ्ट होना है। देखा। आपने देखा तो एनलाइटन आप देखो ठीक लगाओ आप करोगे क्लास आंसर, पर रियलाइज करो कि सोने के लिए आप क्या करते हो? आप छोड़ भी नहीं सकते, अपने आप ही छूटता है, नींद अपने आप ही आती है, उठते कैसे सुबह? उठ के दिखाओ कभी, अपने आप ही उठोगे तो अपने आप ही आएगा, जब मलमूत्र आता है अपने आप आता है, नहीं तो बैठे रहो कॉट करके दिखाओ जबरदस्ती। ये चीजें अपने आप जो होती हैं, इसमें मुन्ना का कोई रोल नहीं है। आप मन का कलेश ले आओ, रात को सो के दिखाओ, मन में भजना शुरू करो, कलेश मचाओ, रात भर सो के दिखाओ, खाना पचा के दिखाओ, सुबह उठ के दिखाओ, बेहोशों लाशों की तरह पड़े रहोगे, अलार्म भी बंद हो जाएगा। ये सच्चाई है। आपको डिस्टिंक्शन जब तक समझ नहीं आएगी, ज्ञान नहीं होगा, आपका जीवन नहीं सुधर सकता। आपके शरीर की सबसे पहली तड़प चलेगी, आपके मन की दूसरी तड़प चलेगी, और धन की तीसरी तड़प चलेगी। जीवन में बड़े से बड़ा त्याग कर दो धन का ये पाने के लिए। और मुन्ना को कैसे सेट करना, क्वेश्चन ले लो पहले, क्वेश्चन फिर लास्ट हम बॉन लेके फिनिश ऑफ द ड्रिंक। इसका मतलब जितने भी हमारे जीवन के सुख और दुख है वो सब मुन्ना के लिए। जिंदगी में जितने भी सुख और दुख है क्या वो मुन्ना के ही है? हमारे जीवन में सुख और दुख ये शब्द का छलावा है। जब मुन्ना के हिसाब से हो गया बहुत सुखी, मुन्ना के हिसाब से नहीं हुआ वो दुखी। सुख दुख कुछ नहीं होता, जैसे लोग कहते हैं सच्चा प्यार क्या होता है, बकवास होता, कुछ ना होता, सच्चा प्यार सब बकवास है, मुन्ना के ड्रामे है। जब आप तटस्थ हैं कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, सुखाया था अच्छा दुखाया था, आन दो जान दो, तो मुन्ना अपने आप आपको सुख देता रहेगा। आपके घर में छोटा बेबी है, आप उसे क्या देते हैं जब एक लैपटॉप देते हैं? वो कहता है पापा मजा आ गया, अच्छा लग रहा है, आप कहते हो आए मेरे बच्चे ऐश कर, उसको क्या हुआ है, सुख मिला है? नहीं, उसे मजा आया है, क्योंकि 15 दिन 2 महीने साल बाद वो कहेगा पापा ये अपना लैपटॉप कूड़ेदान में डाल दो, मुझे नए मॉडल का आईफोन दिला दो। फिर आप कहोगे चल बच्चा यार ये ले बेटा आईफोन, कहेगा पापा इस आईफोन को ना टॉयलेट में फ्लश कर दो, मुझे दूसरे कलर का चाहिए। खुशी नहीं हो रही है उसे, खुशी खत्म हो चुकी, खुशी वो है जो है। आप खुश हो गए तो खुश हो गए ना, फिर तो खत्म हो गए ना, आनंद आनंद का उल्टा नहीं होता कोई। अब जो खुशी है वो खुशी नहीं है, वो पागलपन है। आपने दिया आईफोन, अगला दुखी हो रहा है। अक्सर लड़के लड़कियों की प्रॉब्लम होती है, लड़कियों की भी ज्यादा होती है लड़कों की, मैंने तुम्हारे इतना किया, मैंने तुम्हारे उत्ता किया, तुमने रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो उसकी मर्जी, तुमने किया क्यों उसके लिए इतना? तुम्हारी उम्मीदों की वजह से तुम दुखी हो। मेरे लिए कोई ले आया कोई चीज, मैं ब्रजेश गौतम आ गया जी, मैंने यूज किया नहीं किया वो मेरी मर्जी है। फिर आप ले आए, क्यों ले आए? आपकी खुशी के लिए लाए थे,
अब मेरे में मेरे अंदर इंजेक्शन लगाना था ना, खुश हो तेरी ऐसी तैसी क्यों नहीं होता, वो मेरी मर्जी, मैं नहीं होता, मुझे जायदाद के पेपर तो फिर नहीं सस्ते सर क्वेश्चन एक बुद्धि जो लगाता अपने जैसे अपनी बुद्धि लगाई कोई क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अपनी बुद्धि लगाता है कोई विवेक लगाता है तो किसका सार्थक होता है कोई आंसर देने के लिए बुद्धि लगाता है कोई विवेक लगाता है किसका सार्थक होता है पता नहीं बुद्धि क्या होती है पता नहीं विवेक क्या होता है आंसर जब आपके पास अपने आप आ गया तो स्वयं आ रहा है भाड़ में गए विवेक भाड़ में गए बुद्धि अपने आप इसे बुद्ध हो जाना कहते हैं स्वयं भू सर क्वेश्चन है किसी किसी का थोड़ा सा धन भी शरीर खराब कर देता है फॉर एग्जाम्पल किसी के पास बस नीड पूरी करने लायक ही धन है फिर भी बॉडी में कष्ट आए तो ऐसा क्यों किसी के पास नीड पूरी करने लायक धन है लेकिन बॉडी में कष्ट है इसका मतलब मुन्ना का लफड़ा है मन का लफड़ा है उसके मन में अनंत वासनाएं पड़ी है पूरी कैसे करते हैं पता ही नहीं उसको प्रीलिव करना आता है अनवॉन्टेड वॉन्ट बनाना आता है मैनिफेस्टेशन नहीं आती इसलिए उसके पास ना धन है और ना तन है मन रोए जा रहा है सारे टाइम मन का कलेश है आपने देखा होगा ऐसे फक्कड़ साधु संतों की बातें होती हैं जिनपे धन नहीं है और वो इस मजे में जी रहे हैं जिंदगी क्योंकि उन्हें चाहिए ही नहीं सर लास्ट क्वेश्चन है कि अगर कर्ज है तो आठवां हिस्सा दान कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर कर्ज है तो आठवां हिस्सा कैसे दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर आपके पास कर्ज है ना तो आठ गुना परमात्मा आपसे ले रहा है मुन्ना के द्वारा ली हुई कमांड में आठ गुना परमात्मा ने आपसे वापिस लिया है ये है कर्जा अगर आपके पास आठ गुना ज्यादा है तो उल्टा आप कर्जे दोगे अगर कर्जे में हो दैट मीन्स आपने कोई बड़ी जबरदस्त बेवकूफी की है आपको हम बहुत भोले हैं क्यों भोले समझदार बनो ना वो अक्सर कहते हैं हाय लड़की कितनी अच्छी है घर नहीं बसा तो बहन अच्छे घर लड़की का घर बसेगा कैसे तो समझदार तो है नहीं वो कहा जाता है हाय लड़की कितनी भोली है गाय है लड़का कितना भोला है गधा है साला तो वो तो कोई मुद्दा ही नहीं है तुम भोले क्यों एक उम्र तक रहो ना सीधे साधे तो कब आएगी अकल नहीं समझदार नहीं बनेंगे हम अच्छे रहेंगे तो फिर बेवकूफ तुम पिटोगे अकल तो बंद करनी पड़ेगी समझदार तो बनना पड़ेगा तो ऐसे पॉइंट से यू टर्न कैसे लिया जाए जो कर्ज वाला है वो कैसे कर्जा अगर तुम्हारे पास आ गया है बन ही गया है तो अब वैसे कर्जे के लिए हमने पिछली बार उपाय बताए थे कि एक टोटका किया जाता है जितने किलो का कर्जा उतनों से कर्जे ले लो और आराम से बैठ जाओ फिर इंतजार करो पिछली क्लास देखना डेट्स क्या नाम था पिछली क्लास सरपेंट ऑफ कुंडलिनी पाप पुण्य का घड़ा जब रिलीज हो जाएगी यूट्यूब पे तब आपको समझ आएगा कर्जे का क्योंकि लंबी बात है अगर अभी करूंगा तो मौन रह जाएगा हमारा पर याद रखो कि अगर कर्जा हुआ है तो मुन्ना ने आपसे छिनवाया है आपके मन में कमांड कोई ऐसी गई है कि कर्जा हो गया है ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा बनना चाहते हैं रिसेंट एक बच्चे ने मुझे बोला जी बड़ा अच्छा तगड़ा बिजनेस है बहुत पैसा कमाता है उसने बोला मैंने गुरु जी बंदे को पैसे दे दिए बहुत अच्छा आदमी था मैंने कहा कोई बात नहीं तो बिजनेस कर ले अब तो गुरु जी फोन नहीं उठाता तो मात्र उत्तर सामने से गया दिखा भेजा उसे कि बेटा तुम अच्छे बनने के चक्कर में रहोगे तो यही होगा उसका उत्तर आया पलट के सही कह रहे हो जी आप मैं अपने आप से सोच रहा था मैं कितना अच्छा आदमी एक आदमी का भला कर रहा हूँ भगवान बनने की कोशिश में पिटोगे ये मुन्ना है जो भगवान बनने के ड्रामे कर रहा हो ही नहीं सकता तुम मनुष्य शरीर में हो तुम बड़े दानी बन रहे हो दान करते हैं लोग दान करेंगे दान करना है जिस जिसके मन में दान करने की इच्छा ना सारे के सारे पापी हैं आपको पक्का पता है अंदर मन में कि कहीं ना जायज किया है किसी का लूटा खाटा है भाई साहब तब दान करेंगे क्यों करना दान किसी के मन में आएगा ही नहीं आप होते कौन हो दान करने वाले बड़े दाता बन रहे हो खुद तो भीख पे जी रहे हो ऊपर वाले की कहते हैं हाँ ये भला हो जाएगा लोगों का इसको ये दे देंगे ये अहंकार बोल रहा है दे के दफा कर दो खूब दो हमें तो लालच से देना है ना कौन सा लालच करना है स्वयं के अंदर लालच करना है कि भैया आएगा अले जा दफा कर हमें तो 1,00,000 देना है 8 आएगा वो आएगा झक मार के आएगा देखना अब वो 8,00,000 आने के बाद मुन्ना क्यों दे रहा है क्यों परमात्मा आ रहा है कह रहा है ये ले 8,00,000 जुआ खेलते ना एक के 8 गुना बन गए 8 आने पे आप फिर अहंकार में आ गए ना अब 64,00,000 जाएगा ये समझो 8,00,000 आने पे भी वैसे कमीने बने रहो आपको फर्क ही नहीं अच्छा 64,00,000 ऐसे भी जा सकता जब आए और आप कहोगे बड़ा है तो परमात्मा और फिर 10 जगह बखान कर रहे हैं आप ओ भाई साहब हम तो ऐसे होता है जी देखो परमात्मा ऐसे देता है फिर 64,00,000 जाएगा क्यों हम्बली को अरे नीवे बनते फिर रहे हो सहज नहीं रह सकते आपने उम्मीद लगा ली अरे फोन कर दो उसने फोन नहीं किया पलट के वो कभी करेगा भी फिर कहोगे
ये अपना जो मन मंदिर है दुष्ट को दे दिया, मुन्ना कहेगा ले मारो। यही मुन्ना दाता भी है, देता है जब स्वयं के अंदर होता है। आपने फोन किया उसने नहीं किया, अरे नहीं किया नहीं किया, पता नहीं क्या प्रारब्ध है। जजमेंटल ब्रेन इस्तेमाल करो, नहीं हुआ, तुमने मेहनत करी फल नहीं मिला, नहीं मिला कुछ कमी होगी, अपनी कमी देखनी ही नहीं। दूसरा पापी तसल्ली मना लिया, अब तो बहुत बढ़िया हो गया, पति पत्नी बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं, चार दिन बाद झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि कॉस्मिक करेक्शन हो रही है, क्लास है इस नाम से। आपने बड़ी तसल्ली मना ली है, बता बता के पोस्टर छाप खुशियां मना रहे हो, वो खुशियां ही खुशियां, बधाइयां ही बधाइयां, स्टारिंग बिन्नू ढिल्लो। जैसे ही आप अपने जीवन में उम्मीद, तसल्ली, बताना, खुशी, ये चार चीज से ग्रसित होते हो, आपके डिपार्टमेंट पे कब्जा किसका है? मुन्ना का। बस लंका लग जाएगी आपकी, तोते उड़ेंगे आपके सारे। आप सोचो ये भी लीला है, परमात्मा के हवाले है, परमात्मा को बीच में घुसा के रखो, इधर को आना किधर जा रहा है, अबे तेरे बिना नहीं जाएंगे ना भाई, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इमीडिएटली सांस पे ध्यान दो, सांस चल रही है जैसे मर्जी। हाँ जी ठाकुर जी करेंगे, कृष्ण भगवान करेंगे, अनुपमा सिर पे सिखाते हैं, ठाकुर जी करेंगे सब कुछ, सारे के सारे ठाकुर जी करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? सब कुछ परमात्मा के, हर चीज परमात्मा को करेंगे, पता नहीं कमाल, सेकंड सेकंड एक तो अगर उसमें से भी ज्ञान निकालो तो वो चीज निकालिए। ये कह रहे हैं कि परमात्मा पे करेंगे कमांड, अगर देते रहे, सबसे बड़ी कमांड है इससे भी आगे, परमात्मा को भी बाहर में भेज दो, परमात्मा करेंगे सारा ढूंढ रहे हो आप परमात्मा का। मुन्ना बहुत चालाक है, क्लेवरनेस कनिंगनेस का देवता है, वो चलाकी से परमात्मा जोड़ देगा, वो चलिए करा देगा गुरुद्वारे भेज के, कि अब तो मेरे को तसल्ली हो गई, अब मैं चलिया कर लिया, अब कुछ नहीं, फिर वहीं डालेगा मार के। उसको भी भाड़ में भेजो कि तेरे से भी क्या उम्मीद, तेरे पे छोड़ दिया, जहां सांस लेना छोड़ रखा है अपने आप चलेगा, नहीं हमने ऐसा कर लिया अब ठीक होगा, अब हम प्राणायाम करेंगे अब हमारा सांस ठीक होगा, नहीं होगा, बॉडी का ठीक होगा आपका नहीं होगा। इसलिए योगा एक्सरसाइज करने वाले भी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि अहंकार करते हैं, वो इस अहंकार से डाइट ऐसी अच्छी लेते हैं, बेस्ट डाइट, क्या हमने तो ऑर्गेनिक डाइट लिया, हम तो बहुत दाल पल्सेस एंड फलान ढिमकांस लेते हैं, नो बियर नो शुगर्स नो ईटिंग नो ऑन फूड, वो भी मर जाता है कैंसर से, स्वाभाविक रोज सहज रहो, ठीक है यार छोड़ दिया, कौन माथा मारता फिरे। हार्ट फेल हो जाता है, फिर तैयारी नहीं करोगे पेपर की, फेल ही हो गए। तो लास्ट टू लास्ट आज बात करेंगे हम, अब आपके जीवन में लास्ट क्वेश्चन रह जाता है कि भैया मुन्ना तूने बहुत ताकत चूस ली भाई, तू तेरा करेगा, तेरा तो जीना भी तेरे साथ है, मरना तेरे साथ है, तूने आखिर तक चलना है, और तू ये काम करता रहेगा, तो हमारे स्वास्थ्य की चिंता है नहीं तुझे, तू हमारे को चूस के मारता है, तू औरों के साथ गाली गलौज करता है, औरों का भी धन नोचता है, ताकत नोचता है, करे क्या? सबको यही है, मुझे तुमसे प्यार चाहिए, मैं तुझे प्यार दूं, ऐ छोड़ दफा कर क्यों दूं, मुन्ना को चाहिए। तो मुन्ना महाराज को सेट कैसे करें? हम तो कर नहीं सकते क्योंकि सर्वशक्तिशाली है, ये खुद को ही सेट कर देता है, जब भी स्वयं के साथ होता है ये खुद ही सेट हो जाता है। हाँ बताओ बताओ, खूब स्वागत है, अपने घर में पार्टी करूंगा, लेकिन जब लोग आए तो उनके सामने तो इज्जत बनाऊंगा। ये वो बच्चा है जो बच्चे घर में नहीं होते, माँ बाप कहते हैं समझ नहीं आता, सारी दुनिया तारीफ करती है, घर में बड़ा उपद्रव करता है। यानी हमारा मुन्ना जैसे ही दुनिया के आगे स्वयं के आगे आता है परमात्मा के नाम पर, सारे काम सेट करता है, सारे टाइमली, और जब अपने पे आता है तो कुत्ते खा लेते, क्योंकि काम ही वो है उसका, डिश में मेन्यू में सर भी ये हो सकता। तो याद रखें मुन्ना बॉडी से कैसे सेट होगा, बॉडी का ब्रेन बहुत पावरफुल है। सर्वप्रथम मुन्ना के पास जो भी खोपड़ी में विचार है वो शब्दों द्वारा बंद, बॉडी मत दो। साधु का क्या अर्थ है? जो सिद्ध हो गया, जो साधना में बैठा है, साधक जो साध रहा है, साध किसे रहा है? मुन्ना। मुन्ना साधेगा तो है नहीं, तो शब्द बनाए साध रहा है, कैसे? बैठा है सामने रसगुल्ला आया, मुंह में पानी बनाई, पानी तो बॉडी में बनेगा, पर बनेगा तो तभी जब अंदर से मन करेगा, नहीं करेगा तो नहीं बनेगा। कैसे होगा ये जब आप समझेंगे? अरे सब लीला है, तुम मुन्ना का भोजन है, अलग कर दिया ना कलेश, कि ये जितने करारे करारे चीजें हैं, जितनी ये मीठी मीठी चीजें, सब मुन्ना का भोजन है, ठीक है? अपने आप ही मन नहीं करेगा, देखना मुन्ना कहेगा मैं नहीं करूंगा, तुम्हें पता लग गया मैं लुपुम लुपकुम लुपका ही खेल रहा था, तुमने धप्पा धप्पा कर दिया मुझे, मैं स्पेस करूंगा, कब होएगा पोषंपा भाई पोषंपा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके बॉडी का इतना स्टेबल माइंड है कि आपकी बॉडी को मुन्ना ने मुंह में पानी नहीं बनाने दिया, आपके माइंड में क्लेश दिया मुन्ना ने कि चाचा जी ने गाली बक दी, उसने मेरे मुंह पर दरवाजा मार दिया, उसने मेरे पैसे नहीं दिए, आपके तो ठीक है लीला है ड्रामा है, आपको बीपी नहीं होगा, बीपी तो बॉडी में होता है ना, तो होता तो मन की वजह से है,
कहते हैं ना डॉक्टर, आप अपने मन में स्ट्रेस ना लाएं, स्ट्रेस ना लाएं, आपको एसिडिटी हो जाएगी, बॉडी को तंगी मुन्ना कर रहा। मुन्ना ने बॉडी को ठीक करा के बस, जब स्वयं के अंदर है, अदरवाइज तो खून ही चूस रहा है, शुगर दे रहा है, डायबिटीज बीमारी दे रहा है, ब्लड प्रेशर दे रहा है, हेडेक दे रहा है, क्रॉनिक फटीग दे रहा है, कंधे पे दर्द है, साला सर्वाइकल दे दिया, फलान ढिमकान। कब? जब आप सीधा का सीधा इसको चेक करके रखते। तो पहले शब्द नहीं देने, किसी का धन देख लिया हाथ चला गया। छोटे बच्चों को देखा नहीं, मौसी जी के घर जाते हैं, वहां वो बिस्किट रखते हैं भर के प्लेट में, वो दो इस जेब में, दो इसमें, तीन प्लेट के नीचे, दो उठा के मुंह में। माँ बाप कहते हैं हाँ इतनी बेइज्जती करा दी इसने, घर में एक नहीं खाता, क्यों? मुन्ना है वही बदतमीज, उसको अपने मन की करनी है, जब तक ट्रेंड नहीं होता ऐसे चलता है। ये स्थिति तब जब बॉडी चुप, अगर आपने मौन जान लिया, मौन का अर्थ है अंदर मुन्ना भी मौन, अंदर ही वर्ड्स नहीं बन रहे, विचार आया शब्द बनते हैं ना, जब हम बहुत दिन तक चुप रहते हैं ना, मैं तो चुप हो जाती हूँ, मेरी सासू माँ बोलती मैं चुप हो जाती हूँ, चुप नहीं हो रही बहन, तू बैंक बैलेंस में 1,00,000 इकट्ठा कर रही है, तू फटेगी, वो सीधा फिर 10वें दिन फटती है। हस्बैंड वाइफ में वो कलेश होता है, हस्बैंड कहता है मेरा कसूर क्या है, मेरी माँ ने कुछ कर दिया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, वो कहता है यार मेरा क्या लेना देना तेरे से, किसी पड़ोसन ने कुछ कह दिया, तेरे से मेरी बहन ने कुछ कहा, बोले तुम्हारी बहन है तुम समझाओ तू, वो कहता है मैं क्या समझाऊं, मुझे तू भी चाहिए वो भी चाहिए लेकिन तू समझाओ। अगर बहन ऐसा आकर के भाई पे जिद मारती है अपनी बीवी को समझाओ, बीवी को समझाए और पति उसे समझाने जाए तो गृहस्थी खराब। सर ये फटना और कृष्ण जी का सुदर्शन चलाना सौवी गाली पे, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? फटना और सुदर्शन चक्र का चलना कृष्ण जी के द्वारा सौवी गाली पे, सौवी गाली पर, ये अलग अलग चीजें हैं। कृष्ण जी ने अपना फटना अपने कंट्रोल में रखा हुआ था और उन्हें पता था क्या करना है। मैं वचन से बंधा हूं कि 100 गाली के बाद ही मारूंगा, मारूंगा तो जरूर, कंट्रोल है, अपनी मर्जी से चलाएंगे हम, अपनी मर्जी से खाएंगे, रसगुल्ला पड़ा अपनी मर्जी से खाएंगे, अभी घेवर बचा मैं शाम को पेलूंगा। हाँ। नहीं ऐसा नहीं था, प्लीज ऐसा नहीं सोचो, 3.5 गुलाब जामुन दिया उसके बाद खाऊंगा। आपको पता होना चाहिए, जब तक आप वो पता अपने हाथ में रख सकते हो तब तक ठीक, अदरवाइज तो पता ही नहीं। इसलिए मौन की शक्ति, मौन व्रत, आप मौन जानते हो खोपड़ी का, खोपड़ी चल रही है, हम सबकी खोपड़ी चल रही है, कोई रोक के दिखाए, आप मुन्ना से नहीं लड़ सकते। जो शब्द ये बोलता है माइंड को कंट्रोल कैसे करूं, वो पिटेगा, उसका अपना ही मुन्ना पीट देगा। जो कहता है भाई साहब गुस्सा आ रहा है बहुत मुझे, गुस्सा आ रहा है बहुत मुझे, भाई तेरे को पता लग रहा है दिमाग को कि मेरे दिमाग के एक हिस्से को गुस्सा आ रहा है, अब तू फटाफट इस गुस्से को ऑब्जर्व कर, और जब तक कर रहा है कर नहीं पाएगा तू, अगर तूने कर ही दिया तो गया, तेरी इज्जत भी गई, बेइज्जती भी, और हो सकता है गुस्से में तो मर्डर भी कर दे। मुन्ना कुछ भी कर सकता है, और मुन्ना संभाल के चला लिया तो क्या सैनिक बनता है, बेस्ट स्लेव और वर्स्ट मास्टर है। इसलिए आपका मन आपके शरीर को चूस मारता है, ये नश्वर शरीर है, अंत समय तक इसको चलाओ, और इसकी खातिर जो कुर्बानी करनी है कर दो। याद रखो इस चक्कर में मत रहना कि मेरा हस्बैंड संतुष्ट हो जाए घर में कलेश होंगे, या मेरी वाइफ खुश हो जाए घर में कलेश होंगे, मेरा बच्चा सुधर जाए घर में क्लेश होंगे। आपको एक ही काम करना है, मैं खुद को स्वयं के साथ कैसे चलाऊं, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। मैं पैसे जुगाड़ करूं, मैं मुन्ना पैसे जुगाड़, कॉपीज बन रही हैं, कॉपी बन रही है, जब छोड़ दोगे जुगाड़ हो जाता है। आप रोज भज रहे हो, अरे पैसे मार गया कोई, 4 दिन दुख हो रहा है, फिर सोचो आखिर में हे परमात्मा तेरी इच्छा थी यार, आज से छोड़ दिया, परमात्मा की नजर में मुझे क्या लेना देना, परमात्मा करेगा, हुई होगी मेरे से कोई बेवकूफी, मेरे सिर कर्जा चढ़ गया, मेरा काम नहीं लगा, मेरे से जरूर बेवकूफी हुई है, अहंकार की क्रोध है मेरे अंदर, जरूर जरूर मैं बहस करता हूं, जरूर मैं नाराज करता हूं, मैंने माता पिता का आशीर्वाद नहीं। हमारा शरीर केवल 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 भोजन से सेट होता है और आशीर्वाद से ओनली, क्योंकि आशीर्वाद स्वयं की शक्ति है, श्राप मुन्ना की शक्ति है, आशीर्वाद स्वयं की शक्ति है। जब आपको कोई आशीर्वाद देता है पैर पकड़ लो, उसके बड़े रेयर है कोई आपके लिए अपना स्वयं शेयर करके दे। कृष्ण मिलना आसान नहीं है, कभी कभी कृपा करता है, अर्जुन तो कोई बने बड़ा विरला ही है कोई, कि कृष्ण खुद गया बच्चे तुझे गोद लगा, अदरवाइज आशीर्वाद नहीं मिलता। स्वयं सबसे शक्तिशाली है, इसलिए क्योंकि मुन्ना की सारी शक्ति पॉजिटिव हो जाती है, स्वयं कुछ नहीं करता,
और कुछ नहीं करने से अपने आप मुन्ना सीधा होके सब सही कर देता है, पैसा भी दे देगा, सारा पैसे का मालिक मुन्ना है, सारी यादों का मालिक मुन्ना है, सारी मस्ती ऐश अय्याशी धन मान सम्मान पद सबका स्वामी मुन्ना है, और ये छीनने में लगा रहता है जब तक मालिक है, नोचने में, और ये देने में लगा रहेगा जब तक स्वयं के साथ है। अब सोच लो करना क्या है, बस ऑब्जर्व करना है, देखेंगे इस पे क्लास हो सकी हाउ टू ऑब्जर्व, बाकी परमात्मा जाने अगले हफ्ते तक क्या करवाता है मुन्ना महाराज, लेकिन आपका जो कुछ करेगा स्वयं करेगा, इसलिए स्वयं के मंत्र जाप करो, और फिर भी समझना है तो सब परमात्मा पे पेल लो, तेरी गलती तूने कराया, तेरी इच्छा हमें क्या, इससे हमारा सर सबसे पहले भाड़ में जाय ऑन होता है, और भाड़ में जाय ऑन होते ही साक्षात हनुमान जी आ जाते हैं। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, नमन नमस्कार, आप सब जुड़े हुए लोगों को प्रणाम, धन्यवाद।